हाय मनन, कैसे हेलो मैम। हेलो हेलो। हो आप? सो आई मैं थिंक बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। यस, आई थिंक हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए। लेट जस्ट हम कुछ स्टूडेंट्स का और वेट कर लेते हैं। हाँ जी मैम। अभी वहां पे वैसे दिल्ली में वेदर कैसा चल रहा ठंड बहुत हो रही है और है? कोविड ठंड बहुत फैल रहा है, यही दो चीजें हो रही है। दिल्ली में जर्मनी में क्या यहाँ कर पे भी रही है? अभी बाहर अभी कोहरा ही था। कल धूप थी थोड़ी, आज फिर एकदम से कोहरा आ गया। और ओमिक्रॉन के क्या हाल है जर्मनी में? केसेस तो बढ़े हैं वैसे, लेकिन मेरी सिटी में ऐसा ना कि मेरी सिटी में आप बिना मास्क के एटलीस्ट मतलब बाहर बाहर घूम सकते हो। रेस्टोरेंट में जब जाओगे तब मास्क चाहिए, एंड अभी तो अगर आपने दो वैक्सीन लगा रखे तो उसके बाद भी उनको बूस्टर शॉट दिखाना पड़ता है। हाँ, तो ये यहाँ चीज पे है। भी स्टार्ट होंगे, हो गए हैं, अभी होंगे भी, सो वेट ही कर ये रहे है। हैं। नहीं, ये काफी सही है। मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में तो उन्होंने कवर कर लिया, कह रहे थे कुछ काफी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने कवर कर लिया वैक्सीनेटेड। अभी हाँ, राइट। यहाँ पे ही है। यहाँ पे बस थोड़ा ये है कि यहाँ पे एंटी वैक्सीन लोग भी बहुत हैं, है अच्छा ना, तो वो भी अपना क्या बोलते हैं उस पे धरने पे निकल जाते हैं वो अच्छा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट पे, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट है, ऐसा हाँ हाँ नहीं। यहाँ की तरह नहीं, मार ना ना धाड़ यहाँ की तरह तोड़ फोड़ ना, नहीं। नहीं 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 और क्या बोलते हैं, आज जो सेशन है इसमें आपके नेचुरली डाउट्स आउट्स तो क्लियर होंगे, और ये एज अ वीडियो जो है ये रिकॉर्ड करके जो यूट्यूब चैनल जर्मन की बात वहां पे भी ये होगा, है ना, तो वो काफी सही है। हाँ ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो हेलो एवरीवन, जी मैम। हाँ जी। या हाय, वेलकम टू जर्मन की बात। माई सेल्फ सुरभि भटनागर फ्रॉम लैंग्वेज पेंथेन काउंसलिंग डिपार्टमेंट, एंड टुडे वी हैव मनन राज शर्मा विथ अस। वेलकम मनन। वेलकम, थैंक यू सो मच। मनन, वैसे तो आपको सभी जानते हो ऑलमोस्ट, बट स्टिल लेट मी इंट्रोड्यूस यू। मनन, आई कैन से वेरी प्राउडली दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज पेंथियन। आपने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, बट आई थिंक आपने ऑफनामे अपना KIT में क्लियर किया था, स्टूडियम कॉलेज आपने KIT में करा, नाउ यू आर स्टिल इन द KIT यूनिवर्सिटी, बैचलर मेकाट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर, राइट? हाँ जी मैम। ओके, सो प्लीज मनन, आप एक बार अपने कोर्स के बारे में बताओ, मेकाट्रॉनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्टूडियम कॉलेज के बारे में बताओ, आपका जो वहाँ पे स्टूडियम कॉलेज हुआ था वो कैसे हुआ, क्या क्या आपको पढ़ाया गया, FSP आपका कैसा रहा, कितना मुश्किल था, देन बैचलर आपका अभी कैसा जा रहा है, एंड योर फर्दर प्लान्स एज वेल, सो प्लीज शेयर विद हाँ अस। जी मैम। पहले तो ये कि KIT इज द मोस्ट टफेस्ट स्टूडेंट कॉलेज, ये इस पे कोई दो राय नहीं, ये फुल स्टॉप है इस बात पे, है ना। तो नेचुरली FSP थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था। यहाँ पे ऐसा रहता है कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं दोज आर टफर देन द FSP। द FSP लेवल इज ऑफ बोर्ड लेवल, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट KIT ना, एंड जनरली हर यूनिवर्सिटी में यही ट्रेंड रहता है। और मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तो मैं एटलीस्ट 7-8 यूनिवर्सिटीज का लेके आया था, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं कंडीशनल लेटर रहता है, एंड उसमें से मोस्टली मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे। एंड एक बार जब मेरा KIT हो गया उसके बाद मेरा एग्जाम देने का आगे मन नहीं किया, क्योंकि एक बार KIT और उससे अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है देन आगे फिर नेचुरली कौन ही देता है। तो फिर जब मैंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था KIT में, देन फिर क्लासेस व्लासेस शुरू हुई थी, एंड स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी नेचुरली। आप समझिए, आप बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो और अभी आपकी इंग्लिश बेटर नहीं हुई है ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जर्मन एक जो कि नई लैंग्वेज ऑल टुगेदर और आपकी वो प्यारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो वो नेचुरली टाइम लगता है। तो 1-2 महीने में थोड़ी मेरे को दिक्कत आई स्टूडेंट कॉलेज में, फिर उसके बाद स्मूथ हो गया। एंड द टीचर्स ओवर देयर दे अंडरस्टैंड दैट यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपके लिए भी नई कंट्री है और आपके साथ जो और लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी नई कंट्री है, राइट। तो हर कोई वहाँ पे सॉर्ट ऑफ नया ही है, हर कोई वहाँ पे दोस्त बनाना चाहता है, हर मतलब किसी के लिए वो अनजान कंट्री है, तो वो एक काफी अच्छी चीज रहती है कि आपको माहौल मिलता है। टीचर काफी सपोर्टिव थी वहाँ पे KIT में, है ना, उनको पता है कि आपके लिए नई लैंग्वेज है तो वो आपको मतलब बेसिक से शुरू करा रही थी। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से, अभी तो मैं B2 और C1 तो बोलते हैं और के सीखे, और वो आपको और हायर लेवल लेके जाती है और आपको टेक्निकल टर्म सिखाती है, जिससे आपका जो ट्रांजिशन है यूनिवर्सिटी लाइफ में वो इजी रहे स्टोन कॉलेज में। एंड देन फिर वही अपने एग्जाम्स फिर मैंने क्लियर किए, कुछ
एक दो में लुढ़का भी, लेकिन हो गया एट द एंड ऑफ द डे, वो सब सही रहा। फिर FSP मेरे मैंने दिया तो उसमें काफी अच्छा रहा, मतलब मैथ्स में 1.0 आया मेरा, जो कि हाईएस्ट ग्रेड है। फिजिक्स में मेरा काफी अच्छा ग्रेड रहा, जर्मन में थोड़ा सा खराब हुआ लेकिन वो ठीक था वैसे भी, लेकिन FSP मेरा सही चला गया ग्रेड, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 90% ऊपर ही था इंडिया के हिसाब से तो। हाँ नाइस, जी, वेरी फिर नाइस। KIT स्टूडेंट कॉलेज फिर जब मेरा खत्म हो गया, एंड देन मैं सिंस समर सेमेस्टर का था तो मेरे पास काफी टाइम था, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया, एंड मेरा इंटरेस्ट मेकाट्रॉनिक्स था, तो KIT इज आई गेस हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर मेकाट्रॉनिक्स इन द एंटायर वर्ल्ड। मैं जर्मनी की बात भी नहीं कर रहा, मैं अभी वर्ल्ड लेवल की हम खेल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिर KIT चूज किया। मैं एक साल से यहाँ पे रह भी रहा था स्कूल कॉलेज से, सो मैं सिटी का भी काफी कुछ जान गया था, सिटी अब अपनी से लगने लग गई थी, तो वो भी एक चीज थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे फिर अपनी बैचलर शुरू की। बैचलर में भी दिक्कतें आई, अब स्टूडेंट कॉलेज तो टफ है, KIT महा टफ है, KIT उसका मतलब जैसे कहते हैं बाप लेवल है यूनिवर्सिटी तो, है ना, तो वहां पे बस एग्जाम एग्जाम होपफुली मैंने क्लियर कर लिए, और फिर अभी क्या बोलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्जाम एग्जाम वो भी हो गया, एंड नाउ आई एम इन थर्ड सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर आई विल बी लाइक डन विद माय बैचलर्स, तो ये अभी का तो ये सीन है। हाँ जी, मैंने सुना है कि KIT का मैथ्स बहुत टफ आता है, तो प्लीज आप ये थोड़ा हमसे और हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स अभी KIT का एग्जाम देंगे आगे भी, अभी भी। तो कितना टफ, कितना लेवल होता है टफेस्ट का? हाँ जी मैम, हाँ जी, इसमें एक तो ऐसा है कि KIT का जो मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा JEE मेंस तक जा सकता है ना, और KIT का इस बार का जो ऑफनामा प्रूफिंग है जो अभी समर सेमेस्टर में हो रहा है वो 14 फेब को ही हो रहा है, और मेरे को पता है कि मैं जिन टीचर्स के अंडर हूँ, अभी काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जैसे मैं KIT में ट्यूटर भी हूँ, मैं KIT में मेरे को टाइम हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ्स का ट्यूटर हूँ, तो उसमें ऐसा है कि मेरे को पता है कौन टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफनामा का, एंड जो ओ टीचर है थोड़ा हो सकता है कि टफ लेवल आ सकता है नहीं आ सकता, वो अब आपको देखना पड़ेगा, तो वो आपकी तैयारी के ऊपर है ना, तैयारी अच्छी वाओ, रहोगे तो डेफिनेटली फिर आपके चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं कि आपका क्लियर होगा, तो ये चीज है कि हाँ अगर आप KIT एम कर रहे हैं, KIT आपका एम है, देन यू शुड लाइक एटलीस्ट स्टडी फॉर मैथ्स जो आपका JEE मेंस लेवल तक जाए, एंड बुक्स भी आती है स्टूडेंट कॉलेज के लिए, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जील स्टूडेंट कॉलेज मैथ्स के लिए काफी अच्छी बुक रहती है, आप बिल्कुल वहां से पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छा है, और आपको ऑनलाइन जो मटेरियल मिल रहा है सब कवर करने का, और अभी इसी के साथ ही मैं ये जो एक अनाउंसमेंट जो करनी है मैं अभी कर देता हूँ, है ना, तो मेरे भाई ये चीज है कि अगले हफ्ते से मतलब मैं अब क्या बोलते हैं जो आपका लैंग्वेज पैंथियन है, लैंग्वेज पैंथियन में ऑफनामा क्लासेस मैं लूंगा, जर्मन और जो आपका मैथ्स डिपार्टमेंट है मैं संभालूंगा, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा कि जो भी आपके सारा चीज है वहां पे क्लियर करूं, और बाकी तो मेरा काम बता ही देगा, मेरे को KIT में भी यहाँ पे ट्यूटर की जॉब में भी ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर हो खत्म होने वाला है, हालांकि आपको अभी पता लग रहा है लेकिन काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने रिवील नहीं किया था ये, तो वहां पे भी आप स्टूडेंट कॉलेज में तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, है ना। डेफिनेटली मनन, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने KIT का ऑफनामे क्लियर करा है, वहां से आपने स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हो, करा है, इवन बैचलर कर रहे हो और वहां पे ट्यूटर भी हो, तो डेफिनेटली काफी हेल्प मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स को जिनको आप मैथ्स पढ़ाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। बट मनन, एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने जर्मनी क्यों सोचा, मतलब कि मैं जर्मनी जाऊँ, वहां जाके अपनी स्टडीज करूँ, तो वाई जर्मनी, क्यों आपके मन में ऐसा ख्याल आया था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैम बहुत सारे रीजन होते हैं, पहला रीजन तो यही पैसा ही था, पैसा मेन रीजन था कि एजुकेशन जब मैंने जब ऑल अब जब जितनी आपके पास ऑप्शंस है आप सारी कंट्रीज कंसिडरेशन में आप लेते हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो आप जब फिर इन प्रोसेस में घुसते हैं कि हर कंट्री का प्रोसेस क्या, आप कैसे वहां पे जाते हैं, देन आपको फिर पता लगता है कि भाई पैसा भी एक चीज है ना, आप पहले दिमाग में सोच लेते हैं यार बाहर जाके पढ़ना है, फिर धीरे धीरे रियलिटी थप्पड़ लगाती है, पता लगता है भाई पैसा भी देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, अपना पैसा नहीं लग रहा, मम्मी पापा का पैसा लग रहा है ना, वो चीज भी देखनी रहती है, तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट था, तो उसमें उस हिसाब से मेरे को लगा कि जर्मनी बेटर ऑप्शन हो सकता है, इसलिए मैं जर्मनी मैंने चूज किया, और यहाँ पे आके वो फिर मेरे को और रियलाइज हुआ कि जर्मनी बेटर ऑप्शन है, अगर मतलब क्या बोलते हैं उसकी बात भी करें, यहाँ पे स्टडीज के बारे में भी बात करें, इसलिए माइक ऑफ करना पड़ेगा, किसी के माइक की आवाज बहुत तेज आ रही है। तनिष्क, प्लीज आप माइक अपना ऑफ कर दे। थैंक यू। हाँ जी।
जी तो ये चीज थी। खैर मैं आपको मतलब जैसे उसका भी समझा रहा था कि मैं जैसे ऑफनामा की भी जो मैं वैसे एक ऑफनामा का जो अभी काफी स्टूडेंट्स नए हैं उनका क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो ऑफनामा की क्लासेस व्लासेस लूंगा तो भाई वहां पे मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसा वैसा पढ़ाऊंगा और मेरे को टाइम हो गया है ना कि मैं काफी टाइम से मतलब ट्यूटोरिंग भी कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि क्या चीजें आ सकती है। और मैं ऐसा नहीं है, और टीचिंग जो जॉब है ना वो काफी प्रोफेशनल जॉब है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई चीज सीखी तो आप पढ़ाने लग सकते हो, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगता है। टीचिंग भाई प्रोफेशनल है, आपको सीखनी पड़ती है स्किल्स, है वो एक स्किल्स डेवलप करनी है तभी आप किसी को आगे पढ़ा सकते हो। तो ये चीज है। अभी कैसे समझाऊं, मतलब मान लो कोई भी यार जैसे लैंग्वेज पैंथियन ले लो है ना, लैंग्वेज पैंथियन में भी ये है कि भाई एक इंस्टीट्यूट बन रखा है और आपको पता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जो अपनी जो जर्मन लैंग्वेज है वो किसी इंस्टीट्यूट से सीखो, वहां पे एक प्रोफेशनल हेल्प ले लो तो आपके लिए आगे काफी चीजें सही हो जाती है। तो वो उस चीज के लिए बना हुआ। अभी मान लो मैंने लैंग्वेज सीखी और मैं क्लासेस शुरू करता हूँ तो वो सेंस नहीं बनाता ना यार। अब ठीक है मैंने शायद किसी अच्छे मन से सोचा होगा कि यार मेरे को अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी है, वो इतना पैसा खर्च करना है तो मैं भी अपनी क्लासेस शुरू कर सकता हूँ एंड थोड़ा पैसा मेरे पास भी आएगा, है ना, वो मैं समझ रहा हूँ वो चीज है। लेकिन यार जो एक मैंने कहा कि टीचिंग एक प्रोफेशनल चीज है, उसके लिए स्किल्स चाहिए, तो वो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ एक तो लोगों को कि भाई आप जब भी लैंग्वेज मतलब सीखने जाओ तो प्रोफेशनल हेल्प लो। और लैंग्वेज पैंथिन में आपको पता है कि वहाँ पे भाई इतना प्रोफेशनल, अभी मेरी अनुज सर से बात हो रही थी, वहाँ पे भाई टीचर गोएथे के भी हैं जो गोएथे में मतलब 15-20 साल से ऐसा है कि जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, गोएथे में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसे भाई टीचर्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, है ना, आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तो ये चीज है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको और पर्क्स भी मिल रहे हैं कि लैंग्वेज के सीखने के साथ आपको जो भी आपका मान लो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम है यहाँ पे आपको कंसल्टेंसी वो फ्री प्रोवाइड हो रही है जो इसके साथ है लैंग्वेज के साथ। तो पर्क देख रहे हो कितनी है, वो एक्स्ट्रा भी है। तो ये चीज एक मेरा ये भी है कि मैं एक क्लियर करना चाह रहा था उस चीज में, और बाकी तो फिर ऑफ नमक ले मैं आप पे बैठा ही हूँ, है ना। तो वो जी डेफिनेटली मनन मनन, जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, तो क्या क्या आपको हर्डल्स आए? आपने जर्मनी में जब आप गए तब आपको क्या हर्डल्स आए? मतलब फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी कैसी आपकी जर्नी रही? क्या क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी या क्या चीजें स्मूथली चली? सो प्लीज शेयर विथ अस। हाँ जी मैम, मतलब प्राइमरी तो जो मेरे को ऐसा लगता है जो प्रॉब्लम थी वो तो भाई वही नई लैंग्वेज, जैसा मैंने कहा कि नई लैंग्वेज है ना, नई लैंग्वेज सीखने में टाइम तो लगता है, तो वही मेन प्रॉब्लम थी। और मैंने जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाना था फॉर बैचलर्स, एंड बैचलर्स के लिए मोस्टली ऑप्शन कम होता है अगर आप इंग्लिश साइड में बात करें, ज्यादातर प्रोग्राम जो यहाँ पे जर्मन टॉट में। अच्छा आप जर्मन टॉट में तो भाई फिर जर्मन भी सीखनी पड़ेगी, जर्मन का लेवल भी होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी। एंड उस चीज में फिर जैसे मैंने कहा कि मैंने भाई प्रोफेशनल हेल्प लिया और जो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो फिर मैंने जैसे लैंग्वेज पैंथिन में जैसे मैंने क्लासेस लेना शुरू की थी वहां पे मेरी काफी हेल्प हुई। वहां पे मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड जैसे वो भी पढ़ाया गया, मेरी लैंग्वेज इंप्रूव हुई, एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं जो एलपी के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, A1 A2 की मैंने बंक की थी भाई, मेरी तरह करना A1 A2 की भी क्लासेस लेकर ले लेना वो हेल्पफुल रहेगी। B1 B2 की फिर मैंने एग्जाम प्रिपरेशन ली थी, उसकी वजह से फिर मेरे गोएथे के एग्जाम्स क्लियर व्लियर हुए थे, है ना, तो वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ मेन दिक्कत मैम लैंग्वेज की थी, मैं सही बोलूंगा, जो कि मेरी फिर क्लियर हो गई थी। ओके ऑल राइट। एंड वीजा में या फिर जब आप यहाँ से वहां गए थे तो किसी मतलब आपने वहां पे अकोमोडेशन देखा, उस चीज में आपका सारा स्मूथली हो गया था या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आई थी? मैम वो हर स्टेप पे वो दिक्कत तो आती है उसमें, ऐसा है कि अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात कर लो, जब आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने जाते हो उसमें भी कई चीजें नहीं पता होती है ना, नई चीज आपके लिए भी। तो इसमें भी आपका तो पता ही है कि लैंग्वेज पैंथियन में भी ये चीज ऑफर होती है, आप ही जैसे एप्लीकेशन का करवाते हैं वहां पे, ये सब एक्स्ट्रा पर्क है जो आपको मिल रहे हैं ना। मेरा भी ऐसा था, मेरे को आपको याद होगा आपके पास मैं बैठा करता था एप्लीकेशन फॉर्म मुझे में याद है आप कि सुबह क्या सुबह दिक्कत आ रही आते है ना, ये दिक्कत आ रही है, फिर मैं जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता था, मेरे को ये चीज थी। और जब आप इन प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते हैं ना और जब आपके पेरेंट्स देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी लग रहा होता है ये बंदा कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसके जो दोस्त है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये पता नहीं किन प्रोसेसों में लगा पड़ा है, क्या कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो इसमें भी मेरे को याद है मैं मम्मी को फिर अनुज सर के पास भी लेके आया था, तो अनुज सर ने भी मम्मी को थोड़ा बहुत समझाया था कि अभी इस पे आप थोड़ा भरोसा कर लो, ये सही डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर भाई कोई पेरेंट्स देख रहे हैं मेरे को, मैं अंकल आंटी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका बेटा भी या बेटी अगर भाग दौड़ कर रहे हैं तो आप प्लीज उनको करने दो, अभी मत रोको क्योंकि इवेंचुअली वो काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे डिसीजन से काफी खुश है कि मैंने ये डिसीजन लिया, मैं यहाँ पे पढ़ने आया और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब
सारा काम खुद करना है। अभी मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने भाई रूम साफ किया, तो ये खुद करना पड़ा मेरे को, है ना। वही वही ये चीज इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अभी अगर मम्मी पापा आपको थोड़ा बोलते भी हैं, है ना, तो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा कम डांटो अभी, ये बाद में आपका क्या बोलते हैं हेल्पफुल नाम ही रहेगा, रोशन जब करेगा या नाम करेगी। रोशन, तो वो फिर बिल्कुल मेहनत के ऊपर है, मेहनत ये करेगा तो वो पेरेंट्स को भी देखना, मेहनत नहीं करेगा तो छित्तर भी लगाने, जैसे मेरी हाँ मम्मी ने बहुत बिल्कुल छित्तर लगाए मेरे को, तो वो चीज ही है। अब अगर क्लासेस व्लासेस बंद करोगे मेरी तरह तो भाई फिर दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए वो मत करना, है ना। तो हो गया। हाँ मनन, जैसे पता लगा कि आप अभी लाइव आ रहे हो तो काफी हमारे साथ हमारे पास क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स के, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट वहां पे जा रहा है ऑफनामे देने के लिए, ब्लॉक्ड अकाउंट उसने अपना अरेंज करा, तो क्वेश्चन ये है क्या वो जाते ही अपना ब्लॉक्ड अकाउंट यूज कर सकता है या जब स्टूडेंट कॉलेज क्लियर हो जाएगा तब वो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट यूज कर सकता है, एंड ऑल्सो स्टूडेंट को कितना कैश लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे आपने सर्वाइव करा है तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, सो प्लीज। जी, पहले तो ये तीन चार क्वेश्चन आ गए, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, अच्छा कौन सा पहले बोलना मेरे को। हाँ, इसमें पहले तो मैं बोलूंगा कि दो फेज में डिवाइड करना, ठीक है। एक तो प्री स्टूडेंट कॉलेज और पोस्ट स्टूडेंट कॉलेज वाली जो चीज होगी, मतलब एक मतलब जब आपका स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होता और जब आपका स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जब एक फिक्स ठिकाना होता है। जब आपका स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप मतलब जो अपना पैसा है वो लेके आए, है ना, मतलब 1.5 क्या बोलते हैं ये 1200 या 1300 यूरो, मैं सॉरी कहूंगा कि 1200-1300 यूरो लेके आए। एंड इसमें भी 60% मैं बोलता हूँ कि फॉरेक्स कार्ड में लेके आए, 40% इन हैंड है। मैंने गलती की थी, मैं फॉरेक्स कार्ड में नहीं लेके आया था और मेरे को काफी कुछ भुगतना पड़ा था, जो मैं नहीं चाहता कि किसी को भुगतना पड़े कि आपको किसी और से मतलब पैसे मांगने पड़ते हैं, वो सब बिल्कुल वो चीज सही नहीं है। अपना मतलब पहले से पता है कि ये चीज मैंने फेस करके है तो आपको ना करनी पड़े, तो इसलिए पहले से ये चीज ध्यान रखना और बना के आना अपना फॉरेक्स कार्ड। और फॉरेक्स कार्ड में एक ये चीज है कि मान लो अगर खुदा ना वास्ता अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लगता भी है तो एटलीस्ट पेरेंट्स अपने बैठे के वहां पे आपको फॉरेक्स कार्ड में पैसा भेज सकते हैं, और फॉरेक्स कार्ड आप कहीं से भी बना सकते हैं, आपके घर के पास कोई आसपास बैंक हो, आपके जहाँ पे मम्मी पापा का अकाउंट खोला हो, है ना, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो वो चीज है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट कॉलेज से पहले का जो आपका काम आता है। अब जब आपका स्टूडेंट कॉलेज पक्का हो जाता है, अच्छा, तो जब आपका एक वो पक्का हो गया कि अच्छा इसी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना है, ये एक सिटी कंफर्म हो गई, तो फिर आता है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का। फिर आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाते हो एंड देन फिर आपका उससे खर्चा चलता है। एंड फिर ब्लॉक्ड अकाउंट का फिर क्या प्रोसेस है कि जब आप एक जगह टिक के बैठ जाते हो तो आप फिर अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हो, एंड जब आप अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हो एंड दो तीन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने जहां से भी आपने अकाउंट खुलवाया है, मैंने जैसे डॉयचे बैंक से खुलवाया था तो मैं अपने सिटी में डॉयचे बैंक की मतलब ब्रांच में चले गया, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उन्होंने मेरा खोल दिया। आजकल हालांकि और भी क्या कहते हैं ऑनलाइन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलने लग गया है ना, तो ये भी काफी अच्छा है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आप उनके थ्रू जा सकते हो, यहाँ पे स्पार्क आसा है, डॉयचे बैंक है, कॉमर्स बैंक है, वहां पे अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें मैंने कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पार्कासे का बहुत मैंने सुना है कि काफी अच्छी और उनकी फैसिलिटी है, एंड अगेन ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि जब हम वहां जाते हैं तो हम स्पार्कासे में खुलवाए अकाउंट, कॉमर्स में खुलवाए या डॉयचे में, किसकी सर्विस ज्यादा अच्छी है? आपने डॉयचे में खुलवाया तो आप कौन सा रिकमेंड करते हो कि इसका स्टूडेंट जवाब को? मैं बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता हूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले ना फ्रांस गया था, जैसे ऐसे ही घूमने घूमने गया था क्रिसमस टाइम पे, तो वहां पे मैं थोड़ा दिक्कत ये हुई कि उस साइड मेरे को थोड़ा ज्यादा बैंक्स मिले नहीं, जैसे और मैं बैंक्स की बात करूँ कॉमर्स बैंक और ये सब, मेरे को डॉयचे बैंक हाँ जरूर मिला। डॉयचे बैंक का थोड़ा वो इंटरनेशनल का कार्ड वार्ड रहता है तो वहां पे मेरे को कोई इतना ट्रांजैक्शन में चार्जेस वार्जेस जीरो लगे मेरे। आप स्पारकासा लेके जा सकते हैं, स्पारकासा का जर्मनी में हर जगह है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं 20 मीटर में एटीएम मिल जाता है, मेरे घर के पास भी यहाँ पे पार्क का साइड। डॉयचे बैंक थोड़ा दूर है लेकिन डॉयचे बैंक का भी है एटीएम्स वेटीएम्स वहाँ पे ये भी है। लेकिन अगर अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, सिंस मैंने लेकिन डॉयचे बैंक से किया था तो मेरे को डॉयचे बैंक में खुलवाना था, लेकिन अगर मेरे पे पहले ही ऑप्शन होता कि कहीं और खुलवाना होता तो मैं स्पारकासा पे जाता, क्योंकि स्पारकासा के यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज है। ओके एंड जैसे आपने बताया मनन कि सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वहां जाने के बाद, तो उसका क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं स्टूडेंट्स को? सिटी रजिस्ट्रेशन का पहले तो मैम उसमें दिक्कत आती है कि अकोमोडेशन ढूंढो, है ना। हाँ अकोमोडेशन जब आपने ढूंढ ली, इधर उधर भटक लिए, इधर उधर चक्कर मार लिए, इधर उधर मतलब आप चले गए, है ना, कि घर वर ढूंढने, कईयों में भाई फर्नीचर नहीं है घर ढूंढने जा रहे हो, कईयों में लैंडलॉर्ड से बात करे तो लैंडलॉर्ड पसंद नहीं आ रहा है कि भाई ये आगे जाके बहुत दिक्कत देगा, है ना, ये कई बार रूम में आ सकता है और
अगर कोई भी म्यूजिक व्यूजिक लाउड हो तो चेक वेक करने आ सकता है, वो देख के पता लग जाता है बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, ये खड़ूस टाइप का कैसा, तो वैसे लोग भी टकर सकते हैं जब आप घर ढूंढने जाते हो। तो काफी सोच समझ के पहले तो आप घर ढूंढते हो, ठीक है। एक बार जब आपका घर मिल गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी साइन, आपको मिल गया वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका, वो लेके पहुंच गए आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पे लाइन में बस खड़ा हुआ था, टोकन लिया, वो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट वमिट किया और मेरा हो गया सिटी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट क्या सिंपल प्रोसेस। सबमिट कराए थे आपने मनन? डॉक्यूमेंट वही जो आपका जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, रहता है रेंट वही सबमिट एग्रीमेंट। मैंने कराया था। ओके ठीक है और ठीक जब है। अपना ये अपना अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन भी करवाते हो ना, जैसे तो मैंने बताया कि आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाते वक्त भी आपको ये सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, तो सबसे पहला काम यही आता है कि आप एक थे, जैसे आप अपने सिटी आपका शून कॉलोनी में हो गया तो आप अपने फिक्स ठिकाने पर पहुंच गए, देन आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कराई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, देन आपका फिर ब्लॉक्ड अकाउंट फिर आप अपना वो खुलवा सकते हो, तो वो फिर ये प्रोसेस है, हम भी स्टूडेंट क्रोनोलॉजी आप को, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। राइट, हम भी स्टूडेंट को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना, ताकि वहां जाके आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट इजीली यूज कर सको और टाइमली यूज कर सको। क्योंकि एक टाइम पे आप कैश कितना यूज करोगे या घर से कितने आप पैसे मंगवाओगे, तो ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मनन, वीजा एक्सटेंड जब वहां करवाना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और डेट लेनी होती है, कितनी इजिली हमें वो डेट मिलती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें दिखाने होते हैं? हाँ जी मैम, मेरा इसमें ऐसा था कि कालसुरा की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो जैसी मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन कराई थी ना, तो उन्होंने मेरे को अपने आप ही डेट भेज दी थी कि भाई इस तारीख पे आपको पहुंच जाना है आपको वीजा एक्सटेंशन। कई सिटीज में आपको वीजा एक्सटेंशन की डेट लेनी पड़ती है फॉरन ऑफिस से, आउसलैंडर ब्यूरो जो कहते हैं अपन लोग जर्मन में, है ना, वो लेनी पड़ती है। तो उसमें ऐसा रहता है कि जब आप जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट पे, तो जो मेनली आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, एक तो आपका इमेट्रिकुलेशन बिशाइनिंग विच इज एनरोलमेंट लेटर आपका यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट प्रूफ, आपका जो जितना पैसा है यहाँ पे आप हो ना, मतलब कंट्री के लिए लायबिलिटी तो नहीं होना, आपके पास इनफ फंड्स हैं, वो चीज हो गई। और तो ज्यादा कुछ नहीं लगता, यही तीन चार चीजें लगती हैं उनका, जो आपका फॉर्म वॉर्म भरना रहता है सिटी मतलब वीजा एक्सटेंशन फॉर्म जो रहता है वो आपको, बस ये चीज है। और इसमें भी ये चीज ऐसी रहती है कि भाई अगर वीजा इंटरव्यू में कोई गलत बंदा टक्कर गया ना, तो आपका वो ब्लॉक अकाउंट का पूरा चिट्ठा निकाल के देखेगा इस पे भाई एग्जैक्ट अमाउंट है या नहीं। और मतलब वीजा अच्छा, एक्सटेंड में कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भी देखते, अगर आधा वाधा भी हो तो तब भी चलता है, तो वो बंदे टू बंदा भी डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ले रही है। इवन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब हम वीजा एक्सटेंड करवाते हैं तो कितना अमाउंट होना चाहिए, या जिस जैसे कि हम अभी 10,541 यूरो अगर हम अभी लेकर जाते हैं, तो हमेशा हमें उतना ही अमाउंट मेंटेन करना होता है या कम अमाउंट भी चल सकता है? इसमें ऐसा होता है कि मैम जैसे आपको एक बार वीजा मिल गया, ठीक है, आपने इंडिया से वीजा मिला आपको 3 महीने का, आप यहाँ पे आ गए, आपने पहली बार वीजा एक्सटेंड करा पहली बार जब आप स्टूडेंट कॉलेज में, तो उसमें आपको पूरा अमाउंट दिखाना है, उस वक्त तो पूरा अमाउंट ही होता है क्योंकि आपने नया नया तो ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया है ना, और वही लेके आपको दिखाना है बेसिकली, तो आपका वो उसमें पूरा अमाउंट लगता है। लेकिन जब आपका स्टूडेंट कॉलेज खत्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वीजा 1 साल का मिला, अब आपको 1 साल बाद फिर से एक्सटेंड करवाना है, तो हो सकता है कि जब आप मतलब आधे पैसे भी लेके जाओ, मैं तो भाई आधे से भी कम लेके गया था, 2,000 लेके गया था, सही बोलूँ 2,000 यूरो लेके मैं गया था, और उन्होंने उस पे जो सामने बंदा मेरा बैठा था उसने मेरा भाई वीजा इंटरव्यू मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसने मेरा अमाउंट चेक भी नहीं किया, उसने मतलब एक ये भी हो सकता है कि हाँ शायद मैंने उससे बातें जर्मन में अच्छी की, मैंने उसके सामने अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाई, ये हो सकता है, तो उसने देखा चल इस बंदे पे सारे डॉक्यूमेंट उसने क्लियर कर दिया, ये भी हो सकता है। तो आधा अमाउंट में भी चल सकता है, 2,000 में भी चल सकता है, कई बार मैंने जैसे कहा बंदे ऐसे टकर गया कि पूरा दे गया तो वो पूरे में भी चल सकता है। कुछ सिटीज में होता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, एफिडेविट से भी काम चल जाता है ना, तो अच्छा, ये चीज भी रहती है। आपके पास भी एफिडेविट मैं एम श्योर ब्लॉक्ड अकाउंट के और भी केसेस आए होंगे, है ना ऐसे। बहुत आए हैं। इवन हम स्टूडेंट्स को ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है, बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप अपना एग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और इतना मैं अर्न कर रहा हूँ, जिससे कि आप उनको ये शो करते हैं कि मैं अपना खर्चा खुद मैनेज कर सकता हूँ। बट बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, कम अमाउंट भी चलता है। अब जैसे आपने बोला कि आपने जर्मन में उनसे बात करी, तो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन होता है कि हाँ जर्मन आती है। इवन मैं यही पूछने वाली थी कि जर्मन लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, इवन सर्वाइव करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, हर चीज के लिए। क्या हम विदाउट जर्मन सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि जैसे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं बैचलर के लिए डायरेक्ट,
इंग्लिश मीडियम में अगर उनका एडमिशन है या मास्टर के लिए जाते हैं, चलो स्टूडेंट कॉलेज में तो पूरा जर्मन चाहिए ही चाहिए, बट जैसे बैचलर या मास्टर के लिए जाते हैं, उनको आप कितना जर्मन रेकमेंड करोगे, उनको पर्सनली कितना आप रेकमेंड करोगे? हाँ जी मैम, अभी अभी मैं इस पे बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट की। अभी जैसे मैं स्टूडेंट कॉलेज में ट्यूटर की जॉब कर रहा हूँ, अब भाई जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स को जर्मन में ही ओ पढ़ाना है हाँ ना। हाँ तो ये चीज है। अब मैं जैसे जॉब्स के लिए, जब मैं अपना जॉब हंट पे निकला था, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, 20-25 दिन कम से कम इधर उधर आप अप्लाई करते हो। तो उसमें ऐसा रहता है, कई बार लिखा होता है कंपनी जो आपको जॉब ऑफर कर रही है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जर्मन आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि B2 होनी चाहिए एक्सप्रेशन में, कई बार होता है कि बहुत बढ़िया ही जर्मन होनी चाहिए है ना, और लिखने वाली भी आनी चाहिए जर्मन। तो ये कई जॉब्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जर्मन आपको नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जर्मन अगर आती है तो वो एडिशनल वैल्यू बढ़ जाती है एक्चुअली बिल्कुल बंदे की, बिल्कुल, है ना। इवन मैंने और खुद भी जैसे एग्जाम्पल, जॉब होती है जिनमें स्कोलास्टिक स्किल्स नहीं चाहिए, एज इन जिसमें एकेडमिकल स्किल्स नहीं चाहिए आपको, जर्मन जो टेक्निकल जॉब्स वाली, जैसे जैसे टेक्निकल जॉब जो कोई, इसमें नेचुरली कई बार कंपनी बोलती है कि आपको भाई जर्मन होनी चाहिए। और मैं जब अप्लाई अप्लाई भी कर रहा था, जैसे डाइमलर के लिए, मैं एक डाइमलर काफी लोगों को पता होगा, काफी बड़ी कंपनी है, उसमें वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने लिखा होता कि भाई आपको जर्मन आनी चाहिए और आपको थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी आने चाहिए ऐसा। तो ये चीज भी होती है। आप कोई और जॉब भी जा सकते हो, थोड़ा मैनेजमेंट साइड हो गई, या फिर आजकल जैसे डिलीवरी जॉब होती है, मैकडोनल्ड वाली जॉब हो गई, ये साइड वाली हो गई, जो पार्ट टाइम की बात करूँ, फुल टाइम उसमें मैं नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको इंग्लिश भी आई तो काम वाम चल जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आप जा रहे हो जिस मैकडोनल्ड में, मतलब आप जा रहे हो ना, तो वो वहाँ का जो मैनेजर वैनेजर है वो आपसे बोले कि नहीं जर्मनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो रखता है। तो वो भी चीज भी होती है, लेकिन हाँ अगर जर्मन आती है तो एक एडिशनल वैल्यू आता, तो जर्मन सीख के आओ तो काफी बढ़िया है। और जो स्टूडेंट कॉलेज के लिए आ रहे हैं वो तो भाई B2 C1 तक सीख हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि एग्जाम का लेवल यहाँ पे भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अभी मैं तो बल्कि बोलूंगा आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, मेरे टाइम पे तो भाई कुछ भी नहीं था। मेरे टाइम पे तो कोई यूट्यूब पे भी नहीं था जो बैचलर्स के ऊपर कंटेंट वंटेंट बना रहा। अभी आपके पास बहुत सारा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ लैंग्वेज पैंथिन में, आपको पता है कि वो पर्क्स है, आप जाके बात बात कर सकते हो। जो भी कोई दिक्कत है ना, मान लो आपको कुछ शर्म भी आ रही है, अभी जैसे मैं थोड़ा ना ऑकवर्ड सा फील करता हूँ कि नए लोग मिलते हैं ना, उस समय मैं थोड़ा खुल नहीं पाता उनसे, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि वहाँ पे कंसल्टेंसी बैठे हैं, वहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने काफी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रखी है उस काम में, तो आप उनसे जाके खुल के यार बात कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो आप एटलीस्ट मैम मैम से बात कर सकते हो। मैम मेरे को पता है कि आपने, मेरा भी जैसे बीच में हुआ था ना, कि मेरे को लग रहा था कि यार मम्मी मम्मी थोड़ा कुछ ज्यादा ही डांट रही है, कि क्योंकि मेरा पहली बारी में काफी लोगों को पता है कि B1 नहीं क्लियर हुआ था, मेरा लिसनिंग पार्ट रह गया था, तो उस वक्त मम्मी को थोड़ा लगा था यार कि अभी ये टाइम भी लगा रहा है और इसका पहली बारी में क्लियर भी नहीं हुआ, फिर मतलब एक पार्ट की वजह से पूरा सर्टिफिकेट हो रह गया है ना, तो वो चीज भी थी। तो मैंने फिर आपसे बात बात की थी, तो मैम ने फिर वही समझाया था कि B2 शुरू कर दे, B2 और B1 फिर एक साथ दी, फिर मैंने एक साथ दिया था, फिर वो क्लियर हुआ था है ना, तो वो चीज भी है। मुझे अच्छे से याद है मनन, जब आप आते थे, आप सुबह सुबह आते, जैसे ही मैं ऑफिस आती थी आप आते थे और आप एकदम जुनून में आते थे, मैम ये आज टीयू म्यूनिक की एप्लीकेशन खुल गई है, मैं एम्बेसी से मैं करवा के आ गया हूँ अटेस्टेशन, अब आप प्लीज जल्दी से अप्लाई करो, तो आपके में एक जुनून था। तो मैं वही चाहती हूँ कि वही एटलीस्ट सब स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं तो उनमें वो जुनून होना चाहिए जाने के लिए जर्मनी में। बट डेफिनेटली हमारे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे भी इंस्पायर हुए हैं और काफी ऐसे हैं जिनको है कि जर्मन सीखकर या अच्छे से अपनी ऑफनामे की प्रिपरेशन करके जर्मनी जाना है। सो ये चीज तो है, अब हाँ जी, काफी आपसे भी काफी हेल्प मिलती है, बस नो डाउट। अगर इंस्पायर हो रहे ना, तो भाई मेरी गलत चीजों से इंस्पायर मत हो जाना, जैसे मैं बंक कर रहा था तो वो मत कर लेना है ना, अच्छी चीजों से करना। हाँ तो ये सब मतलब मेरा तो ऐसा भी था ना कि मेरे को यार 4.5 महीने में, मैम आपको पता कि मैंने B2 तक अचीव कर लिया था, तो वो इसलिए किया था क्योंकि मैं 8 से 8 बजे तक तो वहीं पड़ा रहता था लैंग्वेज कैंटीन में, वहां पे जैसे डाउट आउट होते तो मैं क्लियर व्लियर करता था, वहां पे एग्जाम प्रिपरेशन होती थी। अभी ऑनलाइन में भी कितना बढ़िया, आप मैंने देखा वो अनुज सर से बात हो रही थी, ऑनलाइन में भी वही सारी चीजें फैसिलिटीज हो गई है, ऑनलाइन भी सब बढ़िया चल रहा है। काफी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे भी बता रहे थे, रिव्यूज दे रहे थे, तो उसका भी बता रहे थे कि ऑनलाइन काफी मस्त चीज है, ऑनलाइन भी सब कुछ समझ आ रहा है। और आई गेस मैं कैसे बोलूँ, एट द एंड ऑफ द डे यार बंदे पे डिपेंड करता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी मेरा ऐसा है कि चाहे, मेरे को पता है और कोई है नहीं अपने पे है ना, कोरोना फैला हुआ है, कोरोना ज्यादा ऑफलाइन जा नहीं सकते, और ऑप्शन बचा क्या, तो जो है यार उसी को पूरा यूज करते हैं ना, ऑनलाइन है ऑप्शन अपने पे, और ऑनलाइन इतने सारे आपको वो फीचर्स और वो सब मिले हुए हैं, तो उसका पूरा भाई फायदा उठाओ।
ये चीज है। मैं तो ये बोलूंगा, जो मेरे को तो ऐसा लगता है, फिर जो कंप्लेन कर रहे हैं ना यार ऑफलाइन होता तो बढ़िया रहता, अब ये भाई नहीं है ना तो कर क्या सकते हैं, छोड़ अब नहीं है तो ऑनलाइन पे ध्यान दे भाई, फोकस करो उस पे। एटलीस्ट क्लासेस हो रही है. इवन हमारे एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, ऋषभ गौर, उसने इतना अच्छा करा टेस्ट ऑफ में, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था. आई मीन 16 आया था ओवरऑल. तो डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस इक्वल है, और ऑनलाइन में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, नो डाउट. ओके, सो मनन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे बीच में अभी ये हुआ था कि आप अपनी स्टडीज को होल्ड करके जॉब कर सकते हैं फुल टाइम, सो वैसे अगर बैचलर के स्टूडेंट करेंगे तो मास्टर के स्टूडेंट्स तो करते हैं डेफिनेटली, तो अगर बैचलर के स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो आप क्या उस पर अपना व्यू दोगे? मैं मास्टर्स के, मेरे को ऐसा लगता है कि देखो मास्टर्स के स्टूडेंट ऐसा ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको मे बी लाइफ की समझ ज्यादा होती है, तो वो हाँ. बैलेंस मेंटेन कर सकता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ और जो आपकी वर्क लाइफ है। मैं अभी, मेरे को ऐसा लगता है मैं भी कोई 30 मार खानी हूँ है ना, मैं कोई फन्ने खानी हूँ, मैं भी बच्चा नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही आ रहा, तो इसमें ऐसा है। तो मेरे को मैंने जैसे बताया कि आईटी काफी टफ है, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो भूल जाओ, मैंने किसी जॉब पे ध्यान व्यान दिया, मेरा मेन फोकस था, मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे को एग्जाम में पास होना है, और मैंने एग्जाम पे ध्यान दिया। अभी थर्ड सेमेस्टर में ऐसा था, जब मैं आ गया मेरे को लगे यार थोड़ा मैं कर सकता हूँ है ना पढ़ाई, मेरे को यूनिवर्सिटी का समझ आ गया कि कैसे मेरे को अपना वो बैलेंस स्ट्राइक करना है, तो मैंने फिर ये मतलब ट्यूटर वाली जॉब पे ध्यान दिया। इसके लिए काफी मेहनत की कि भाई मैं अपना जो भी इंटरव्यू भी रहता है वो क्लियर करूँ, और क्योंकि इसमें ऐसा ना कि अगर मैं 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन में देखो तो मेरे को पता है कि ये जॉब बेशक मेरे को कम पे मिल रहा हो लेकिन ये जॉब प्रोफाइल के लिए काफी अच्छी है ना। और मतलब पेरेंट्स इसमें आपके सपोर्टिव हो तो और भी अच्छा रहता है। मेरी मम्मी जैसे मैंने बताया ना, मेरी मम्मी काफी खुश है कि मैंने ये डिसीजन लिया, एंड वो सपोर्टिव है कि अच्छा तू ऐसी जॉब कर रहा है कि बेशक तेरे को पे कम कर रही हो लेकिन तेरे को पता है कि तेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, इसमें सीखने को इतना कुछ है। मेरे को पता है कि कोरोना में कोई क्लासेस व्लासेस ज्यादा हुई नहीं, मैं इंटरेक्शन नहीं हो पाया जनरल, अभी मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को लोगों से जर्मन में ही बात करनी है, तो वहां पे फोर्सफुली निकलेगी जर्मन, तो इम्प्रूव आएगा, वहां पे इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये चीज है। तो इसलिए मैंने ये वाली जॉब ली और थर्ड सेमेस्टर में की, तो वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बैचलर्स में तो यार मुश्किल है, जर्मन टॉट थोड़ा, लेकिन अगर एक बार वो भाई मतलब जिसे कहते हैं ना डोर आ गई हाथ में तो फिर बढ़िया हो जाएगा। अच्छा मनन, स्टूडेंट कॉलेज में जैसे कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ये हमने सुना था, बट ये था कि वेकेशन में ही कर सकते हैं. सो इज दैट ट्रू कि स्टूडेंट वेकेशन में ही अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं स्टूडेंट कॉलेज में, या इन ड्यूरिंग स्टडीज भी कर सकता है वो? ये तो मैम हद क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं, ये तो हर बार आता ही आता है मेरे को लगता है हर सेशन में इसका, लेकिन यार सिंपल सा मैं ये बोलूँ, कुछ सिटीज हैं, कुछ सिटीज में ऐसा रहता है कि आप जब अपना वीजा एक्सटेंड कराने जाते हैं ना तो इसमें ऐसा रहता है आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलता है और साथ में एक ग्रीन कलर का पेपर मिलता है, उसको जूजा स्लॉट कहते हैं, उस पर एक्चुअली लिखा होता है कि आपको कितना घंटा अलाउड है और क्या क्या अलाउड है। अब मैं जब स्टूडेंट कॉलेज में था तो मेरे को ये जो पेपर मिला था उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा था कि 120 फुल डेज, 240 हाफ डेज अलाउड है, और वो ब्रेक्स में सिर्फ जब मतलब मेरा स्टडी टाइम है ना, तो वो चीज है। आप कुछ सिटीज में आपका ऐसा हो सकता है कि आपको वीकेंड्स में भी काम कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर अगर मैं जनरल एक बात करूँ, जनरल ट्रेंड की बात करें तो ब्रेक्स में बिल्कुल आप पार्ट टाइम कर सकते हो। पार्ट टाइम क्या, लोग फुल टाइम करते हैं, लोग फुल टाइम करके फिर अपना पैसा वैसा निकाल सकते हैं उसको। अब इसमें मैं थोड़ा गलत एग्जाम्पल हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया था, मैं स्टूडेंट कॉलेज में मैं थोड़ा कह सकते हो कि होम सिकनेस भी, तो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स भी मेरे उस साइड चल रही थी, मतलब तो इसलिए मैं इंडिया चला गया था और इंडिया में मैंने अपना वो ब्रेक्स वेक्स बिताई थी। लेकिन अगर आपकी जैसे स्टूडेंट कॉलेज की आईटी में बात करूँ, 2.5 मंथ्स की समर ब्रेक होती है, तो 2 महीने यार यहाँ पे फुल टाइम जॉब करो, अपना अच्छे से पैसा वैसा कमाओ, 1 साल का जो भी आपको खर्च लगता है उसका आधा कमा के वो कर लो, और 1 महीना अपना इंडिया लगा सकते हो वैसा, तो वो भी आप कर सकते हो, तो बिल्कुल वैसा भी है। ओके, ऑल राइट. ओके मनन, कोई स्टूडेंट अगर स्टूडेंट कॉलेज के लिए जाए या बैचलर मास्टर किसी भी कोर्स के लिए जाए, मंथली एक्सपेंस कितना आता है? अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, फूड की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, तो कितना अप्रोक्स मंथली आता है अमाउंट मैक्सिमम? इसमें मैम मैं अगर जैसे मैं स्टूडेंट कॉलेज में जब था तो स्टूडेंट कॉलेज में मेरे पे पब्लिक इंश्योरेंस का नहीं था, वो टंटा जो पब्लिक इंश्योरेंस का रहता है ना उसमें 100 यूरो हो जाता है, प्राइवेट में 30-40 यूरो में मिल जाती है अच्छी खासी, तब मेरा खर्चा आता था 500 यूरो पर मंथ है ना सब कुछ मिला के। अभी मेरा खर्चा वो 100 यूरो मैंने जैसे कहा वो हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, सिंस वो 108 यूरो की है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो वो मेरा वो बढ़ के 500 से 600 बस ये हो गया है खर्चा। लेकिन भाई पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा मेडिकल जो भी फैसिलिटीज या फिर जो भी मेरा यहाँ पे रहा था
आपको, मेरे को मैम आइडिया नहीं, मेरे को पता नहीं कि आपको पता है नहीं, जैसे मेरे यहाँ पे जर्मनी में दो ऑपरेशन होते हैं अभी हाँ जुलाई में और सितंबर में, मेरे को किडनी स्टोन हो गए थे, तो ओ सब कुछ यहीं पे हाँ हुआ था मेरा यहाँ पे। अभी मेरा क्या है, मेरा टोटल खर्चा सिर्फ 4,000 रुपया था। आप बताओ, मैं इंडिया जाता, मैं इंडिया बिल्कुल में फ्लाइट का खर्चा लगता, वहां पे 1-2 लाख रुपए तो ऑपरेशन का लग जाता ना, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी, इसलिए मेरा टोटल सिर्फ 4,000 का आया। और वो भी 4,000 का इसलिए आया कि वो बेड का कोई ना कोई तो टैक्स रहता है, जो दिन का 10 यूरो कुछ कटता है ऐसा, तो इसलिए उस हिसाब से था वो। लेकिन भाई ये मेडिकल फैसिलिटीज आपको ये स्टूडेंट के साथ मिल रही है। आप यूएस जाएंगे थोड़ा तो वहां पे इंश्योरेंस इतना नहीं कवर करती जितना यहाँ पे है, तो वो 108 यूरो भाई फायदे की चीज हुई मेरे लिए, तो बड़े फायदे की चीज हुई ना। तो अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो वो मत सोचना कि पब्लिक क्या बोलते हैं नहीं लेंगे यूनिवर्सिटी में। हालांकि यूनिवर्सिटी कई बार तो बोल देती है कंपल्सरी है, पब्लिक है, और जो नहीं ले रहे तो भाई पब्लिक ले लो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है ना, तो वो प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। तो मेरे साथ जैसे हुआ तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ कि मेरी पब्लिक थी और मेरे काफी काफी पैसा वैसा बच गया है ना। आई होप अब और आप ठीक इस, हो। हाँ जी मैम, मैं ठीक हूँ अभी, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। और इस टाइम में जैसे पेरेंट्स भी थोड़ा देख रहे होंगे, तो मैं उनको भी ये बोलूंगा, मेरी मम्मी भी मतलब घर वाले भी जनरल काफी परेशान हो गए थे कि यहाँ पे कैसे तू संभालेगा है ना, यहाँ पे कोई तेरा है नहीं, घर वाल तू घर बार आ जा इंडिया, जब वहाँ पे, यहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर है, ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन मैंने पेरेंट्स को समझाया ना, आप खुद समझोगे, पैसे की भी अगर हम बात करते हैं, जैसे पैसे यहाँ पे कम लगा, दूसरा मेरे को पता है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छी है, और जो मेरे को दिक्कत है, खैर मैं वो वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं इमरजेंसी में यहाँ पे, क्या वो मेरे साथ धांधलेबाजी हुई वो सब मैं बताऊंगा, जो अलग चीज है। लेकिन जो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट है वो काफी अच्छा था, डॉक्टर्स काफी मेरे को वो अच्छे अच्छे मिले। और जो अगर पेरेंट्स की बात है कि आपका यहाँ पे कोई नहीं है, तो यार मैं ये लोगों को कहता हूँ, जो आपके दोस्त है ना वो आपकी फिर फैमिली बनते हैं, जो आपने स्टूडेंट कॉलेज के वक्त दोस्त बनाए, जब आप यूनिवर्सिटी में थोड़ा होंगे तो आप यूनिवर्सिटी के साथ कोई दोस्त बनेंगे, आपका कोई इंडियन विंडियन जैसे फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, तो वो आपके बड़े काम आते हैं। तो वो जो फ्रेंड्स हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, दोस्त फ्रेंड्स बिकम योर फैमिली ड्यूरिंग दीज टाइम्स, जो भी आपका खराब वक्त अगर चल रहा होता है, तो ये काफी सही चीज है। तो आप ऐसा करके भी मतलब पेरेंट्स को बता सकते हैं, पेरेंट्स ये बात समझ जाएंगे, जैसे मेरे घर वाले इवेंचुअली ये समझ गया था, ऐसी ये चीज थी है ना। मैंने तो सुना है जर्मन्स भी काफी केयर करते हैं, इवन काफी सपोर्टिव होते हैं। अगर आप थोड़ा उनसे अगर जर्मन में बात करें तो थोड़ा अच्छा रहता है उनको बात इसमें मैम मेरे करने। को इसमें ऐसा ना कि इसमें मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी डेफिनेटली भरी हुई बोलो, इस हमारे टॉपिक में, स्टूडेंट्स को हेल्प और मिलेगी। क्या बोलते हैं, इस चीज में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अभी वो सेपरेट ओकेजन में मेरे को ऐसा लगता है बताना ज्यादा बेटर रहेगा है ना वो, क्योंकि बहुत कुछ मेरे को उसमें ऐसा है कि सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनन, इज जर्मनी सेफ फॉर LGBTQ कम्युनिटी? हाँ जी मैम, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरा एक दोस्त है वो इस कम्युनिटी से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्राइड परेड्स और वो सब इनका चलता रहता है जो भी है ना, मेरे को आइडिया नहीं इतना, मैं उस साइड मैंने कभी मतलब फोकस फोकस दिया ही नहीं, तो वो होता रहता है, वो सब चलता है यहाँ पे और काफी सेफ है, मतलब ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जैसे बर्लिन की बात करूँ, तो बर्लिन में तो क्या बोलते हैं, काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो काफी ओपन है। यहाँ पे अगर थोड़ी आप छोटी सिटी में जाओ, तो छोटी सिटी में भी ऐसा मेरे को लगा, मेरे को ऐसा लगता है कि दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, हालांकि जो बंदा वहां पे रह रहा है वो आपको और अच्छे से गाइड कर पाएगा, या फिर जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना, तो वो चीज है। ओके ऑलराइट। मनन लेकिन ओपननेस है, और जैसे काफी जो गर्ल्स हैं उनको क्वेश्चन रहता है ना सिक्योरिटी के लेके, भाई सेफ है या नहीं है ना, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी सेफ है। मैं एटलीस्ट साउथ में तो बोलूंगा, मैं साउथ में यहाँ पे हूँ और मेरे को काफी सेफ फील होता है। मेरी सिटी फराड स्टार्ट कहते हैं यहाँ पे, मतलब साइकिल सिटी कहते हैं, इतनी साइकिल वाइकल है, रोज मतलब रात को जैसे आप लाइब्रेरी से वापस आ रहे हो, तो वहां पे लोग पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स में लड़कियां भी आती है भाई, वो सब पढ़ रही होती है, एंड वो खुद साइकिल चला के फिर घर बार आ रही होती है रात को, तो बहुत सेफ है, इतना बहुत कुछ नहीं है सही। वो इंडिया में थोड़ा। हाँ मैं समझता हूँ वहाँ पे ये जो है मतलब थोड़ा इशू है ना वुमेन सेफ्टी को लेके, तो वो नेचुरली हर पेरेंट्स के दिमाग में आती है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सही है सिक्योरिटी के मामले में, और वो ओपननेस भी है LGBTQ का, अगर कम्युनिटी को हम उनकी बात करें ना, तो चीज़ ग्रेट।
सो मनन, एक आप बात बताइए, जैसे कि एक हमारे काफी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आए हैं कि हम अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करें. लेट सपोज अगर हम स्टूडियम कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ से स्टूडेंट्स अगर स्टूडियम कॉलेज के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली B1 B2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है, C1 नॉलेज चाहिए होती है, मेन ऑफकोर्स 12th का रिजल्ट चाहिए होता है. 12th का ये हो गया. अगर हाँ कोई जी हाँ, बैचलर के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना प्रोफाइल अच्छा शो करे कि उसका वेटेज अच्छा हो प्रोफाइल का और एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में आए. वैसे तो सब यूनिवर्सिटी अच्छी है बट इजिली आए, तो वो क्या स्ट्रॉन्ग करे अपने प्रोफाइल को. सी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट कॉलेज ना, सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर जर्मन स्किल्स। आपकी जर्मन स्किल्स कैसी हैं, जर्मन कितनी बढ़िया। अभी क्या, अभी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि काफी लोगों को जर्मनी के बारे में पता लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी होती है एंड, लेकिन मेहनत यहाँ पे फिर भाई उस हिसाब से भी है, यूके यूएस से डबल मेहनत भी लगती है यहाँ पे, एग्जाम एग्जाम क्योंकि क्लियर करने पड़ते हैं। खैर मैं क्या कह रहा था कि जर्मन स्किल्स पे वो डिपेंड करता है ना। अभी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो मेरे टाइम पे मैं सिर्फ B2 कर गया था, अभी वो लोग C1, यहाँ पे जो जर्मनी में आप देखेंगे आपको पता होगा काफी केसेस ऐसे भी है जो जर्मनी में कर रहे हैं C1 करते हैं फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है ना। तो मैं एटलीस्ट हर एक को ये रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि भाई C1 तक तो करके आओ, थोड़ा हायर लेवल, क्योंकि एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम करोगे कम करने में, एक्स्ट्रा में क्या है। एक्स्ट्रा में तो आप अगर मान लो आपके पास 1 महीना गैप बचा भी है तो यार एक लेवल एक्स्ट्रा कर लो ना, तो आप टच से रहोगे जर्मन में, तो थोड़ा हायर लेवल करके आओ तो ज्यादा बढ़िया है। अभी आपको भी पता होगा, आप भी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड कर रहे होंगे LP में कि C1 तक करनी चाहिए ना, क्योंकि आपने भी काफी केसेस देखे होंगे जिन जो मतलब नहीं हो पा रहा होगा उनका फिर। बिल्कुल बिल्कुल. इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो B2 करके गए थे, C1 मैंने उनको बहुत बोला था करके जाओ, बट एक होता है ना एडमिशन आ गया जाने की जल्दी, तो वो चीज हो गई थी. बट बाद में फिर उनका क्लियर नहीं हुआ, देन वो जर्मनी में ही उन्होंने, मतलब उन्होंने मजबूरी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाया. भले ही वो वहां क्लास नहीं ले रहे थे, क्लास वो यही लैंग्वेज पैंथियन में ले रहे थे ऑनलाइन क्लास, बट उनको वहां पे भी फीस सबमिट करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि वीजा एक्सटेंड करवाना था. उन्होंने मुझे यही बोला कि मैम यहाँ हाँ पे जी प्राइवेट क्लासेस, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज की, वहां पे इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे वो क्लास लेते थे. फिर मैंने नेक्स्ट इनटेक के लिए उनका अप्लाई करा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, वो वहां बैठे थे, हम यहाँ से कर रहे थे. तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आप थोड़ा वही है ना कि लाखों लगाने से अच्छा है थोड़ा भाई थोड़े 1,000 लगा के एक सा लेवल यहाँ पे एक्स्ट्रा ही कर लो। एग्जैक्टली. इवन मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, अगर आपका C1 कंप्लीट भी हो गया, या तो आप एग्जाम दो या टेस्ट आपकी क्लासेस ले लो, आप एक्स्ट्रा लेवल करके जाओगे, नॉलेज लेकर जाओगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा. कम पढ़ के जाओगे, टाइम भी वेस्ट होगा, अमाउंट भी वेस्ट होगा. बट यस, अब काफी स्टूडेंट्स को ये पता लग गया है कि कितनी जर्मन की रिक्वायरमेंट है, तो आप मोस्टली C1 और थोड़ी बहुत टेस्ट आपकी इवन क्लासेस भी लेकर जाते हैं. ये काफी बढ़िया चीज है, काफी बढ़िया है। और इसमें यार नेचुरली आप लैंग्वेज तो LP वाले आपको सिखा देंगे, वो अच्छे से सिखा देंगे, लेकिन फिर आपकी मेहनत के ऊपर भी है ना, आपको मेहनत भी लेनी है। ऐसा नहीं आप अपने एंड पे मेहनत मेहनत बिल्कुल करो ही ना और सब छोड़ दो, तो वो चीज भी फिर सही नहीं है ना। तो बिल्कुल अपने एंड पे भी आपको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा मैं कि भाई मैं हाफनामा की क्लासेस भी दे रहा हूँ, तो हाफनामा तुम्हारा भाई संभालेगा। मैं कह रहा हूँ भाई मैं क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कोर्स इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन करूंगा ना, मेरे पे जैसे अपना टाइम का मटेरियल पड़ा 3-4 GB अभी फाइल्स मेरे पे पड़ी है और फाइल हो जाएंगी, तो बहुत बढ़िया मैं कोर्स करूंगा। और जिनको भाई स्किल्स में मेरी डाउट हो तो मेरे को दिक्कत नहीं, आप KIT स्टूडेंट कॉलेज में जो पढ़ रहे हो उनसे पूछ सकते हैं कि मैथ्स ट्यूटर बेस्ट कौन है। अगर मेरा नाम नहीं आया ना तो फिर दिक्कत है फिर मेरे को, क्योंकि लगता है कि भाई मैं एफर्ट्स उस हिसाब से फिर मारता हूँ है ना। बिल्कुल अगर मैं स्टूडेंट कॉलेज में भी पढ़ा रहा तो फिर मेरे को पता है कि अच्छा के जर्मन में बोलना है, तो उस हिसाब से मैं अपने वो प्रिपेयर करके चलता हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ पे भी हाफनामा की क्लासेस लूंगा तो इसमें भी ऐसा है कि मैं जर्मन और अगर जैसे साउथ साइड से भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं ट्राई करूंगा क्लास में कि वो जर्मन और इंग्लिश में रहे, हिंदी का थोड़ा कम यूज हो अगर जैसे है ना, क्योंकि आपको पता है LP से तो कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल इंटरनेशनल बिल्कुल ऑल ओवर स्टूडेंट भी वर्ल्ड. कोर्स वोर्स है यस ना, तो इसलिए तो नेचुरली वो फिर मेरे लिए भी एक टास्क है कि अच्छा मेरे को जर्मन और इंग्लिश दोनों में बोलना है, तो मैं उस हिसाब से फिर आपको फिर प्रिपरेशन करूंगा। और फिर हाफनामा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तकलीफ फिर मेरे को छोड़ देना, प्रिपरेशन मैं उस हिसाब से रखूंगा कि आप अपनी से एंड पे थोड़ी मेहनत करो तो आपका क्लियर हो जाए उस हिसाब से। बट वेरी गुड मनन, आई एम रियली हैप्पी. इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी विंटर इनटेक में जाना चाह रहे हैं, तो उनको काफी हेल्प मिलेगी. क्वेश्चन ये भी था स्टूडेंट का कि डेडलाइन फॉर विंटर इनटेक, डेडलाइन विंटर इनटेक की होती है 15 जुलाई,
बट जरूरी नहीं है हर एक यूनिवर्सिटी की 15 जुलाई डेडलाइन हो, किसी की अप्रैल में भी खत्म होती है, किसी की मई में भी खत्म होती है, किसी की जून में, किसी की जुलाई में. सो हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं या फिर हम हमेशा ये आपको सजेशन देते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो प्लीज आप वेरी फर्स्ट डे या सेकेंड डे अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका टाइम से एडमिशन भी आ जाए और वीजा की डेट भी आप साथ के साथ सर्च करना या बुक करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपके सारे काम स्मूथली हो जाए. एंड इवन अभी हमारे काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता दो कि इवन लैंग्वेज पैंथन का पार्टिसिपेशन लेटर भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जर्मनी में आप दिखा सकते हैं. जो यूनिवर्सिटी आपको बोलती है येस यू कैन अप्लाई विथ दिस पार्टिसिपेशन लेटर, आप वहां एलपी के पार्टिसिपेशन लेटर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे स्टूडेंट्स को हर तरीके से हेल्प मिलेगी, इट जस्ट थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना होगा, आपको भी प्रॉम्प्ट रहना होगा. सो मनन, ये तो हमारे क्वेश्चंस थे जो हमारे पास मैसेजेस या पोलिंग के थ्रू. इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे मैं अभी अभी क्यों क्लासेस ले रहा हूँ, मैं मतलब जनवरी में ही क्यों शुरू कर रहा हूँ, है ना, तो ये चीज रीजन ये भी है. हालांकि मेरा फरवरी मार्च में एग्जाम है, वो मेरे को बैलेंस मेंटेन करना है, वो मैं करूंगा जैसे मैं अगर यहाँ पे ऑफ नंबर की क्लासेस दूंगा. लेकिन मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि विंटर सेमेस्टर वाले जो है या फिर जो अभी समर सेमेस्टर है ना, उनके लिए हाई टाइम है कि वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और मैं फिर उस हिसाब से डिजाइन किया कि मेरे को पता है कि जो विंटर सेमेस्टर में जो अभी ऑफ नामा देंगे वो फोड़ देंगे अगर आप अभी कोर्स लेते हो, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होगा कि आप ऑफ नामा पे भी अपना टाइम डिवोट कर पाए और आप साइड बाय साइड लैंग्वेज तो सीख ही रहे होंगे. तो वो चीज है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि भाई जनवरी में बेस्ट है. उस हिसाब से हमने मतलब नेचुरली मैंने कोर्स भी उस हिसाब से फिर डिजाइन किया और आपको मैंने अप्रोच भी फिर उसी हिसाब से किया था कि भाई जनवरी में शुरू करते हैं ना. ऑन टाइम स्टूडेंट्स के ऑफ नामे की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो बहुत अच्छा हमारा स्कोप आगे जाके रहेगा स्टूडेंट का, इजिली वो क्लियर कर सकेंगे अपना ऑफ नामे. सो मनन, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने चैट के थ्रू या फिर पोलिंग के थ्रू हमसे करे थे. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी है जूम पर चैटिंग में, तो प्लीज आप उनका भी रिप्लाई करें. हाँ जी मैम, जैसे मैं नीचे से शुरू तो कर ही रहा हूँ. इसमें जैसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, यार प्राइवेट में ना ऐसा रहता है कि प्राइवेट में जैसे मैंने बताया कि मेरे पास स्टूडेंट कॉलेज में थी, तो स्टूडेंट कॉलेज में ये भी चीज रहती है कि प्राइवेट वाला कुछ अमाउंट कवर कर सकते हैं, उसके बाद कवर नहीं करेंगे. और मैंने जैसे अपने अच्छे से एक्सप्लेन की अपनी सिचुएशन कि किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में तो फिर पब्लिक लेना ज्यादा सेंस बनाता है ना. तो वो डिफरेंस आपको फिर वो समझ आ जाता होगा कि पब्लिक में अगर आप ए ओके जैसे टीके भी है तो काफी कुछ कवर हो जाता है उसमें, है ना. तो ये भी चीज है. और कैन वी गेट वीजा विद 65% इन 12th फॉर स्टूडेंट कॉलेज. अभी क्या है कि कोरोना के चक्कर में ये 90% से कम वालों को दे नहीं रहता, आपको पता होगा दिल्ली की चीज है ये, सिर्फ दिल्ली में ऐसा हो रहा था. तो उसमें क्या किया था, स्टूडेंट्स टेस्ट टेस्ट का एग्जाम दे रहे थे, टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी मेरे ख्याल से एलपी में टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं ना. तो वो टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे हाँ, मैंने देखा मतलब काफी स्टूडेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ ना, तो मेरे को बता रहे थे कि उनका टेस्ट टेस्ट का वो क्लियर हुआ है. तो वो मेथड है टेस्ट टेस्ट का क्लियर करके, वो कोर टेस्ट में 100+ लाना होता है. मैंने खुद टेस्ट एस दे रखा है और मेरा पहली बार में थोड़ा खराब था, लेकिन सेकेंड बारी में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था. तो वो क्लियर करके आप अपना फिर वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हो. तो वो चीज है. तो यार बिल्कुल, और मैंने वीडियोज भी बना रखे हैं जिनकी 70-71% है, वो भाई बढ़िया से स्टूडेंट कॉलेज में बैठे हैं. आप समझ रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. इवन मनन, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर स्टूडेंट टेस्ट टेस्ट इंजीनियरिंग का भी देता है एप्टीट्यूड के साथ साथ, तो उनका एक दो यूनिवर्सिटी में ऑफ नामे भी स्किप हो जाता है, डायरेक्ट वो स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं. तो टेस्ट टेस्ट एनी हाउ स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा, चाहे वो वीजा के लिए हो चाहे वो स्टूडेंट कॉलेज के लिए हो. तो अगर जिनकी परसेंटेज कम है, आप प्लीज अपना टेस्ट टेस्ट पे फोकस करें, ताकि आपको वीजा डेट आराम से मिले. 130 का आपका मार्क्स का आएगा एग्जाम, जिसमें से अगर आप 100 स्कोर करते हैं तो आपको वीजा डेट मिल जाएगी. सो प्लीज आप उस पे फोकस करें. प्लीज प्रोसीड मनन. हाँ जी मैम, और इसमें ऐसा ना कि टेस्ट टेस्ट का मैंने जैसे मेरे टाइम पे जो दिया था, मेरे को ये लगा था स्टूडेंट कॉलेज के बाद जैसे RWTH आखिर कई लोगों की हाँ, हो सकती है राइट. तो वो यूनिवर्सिटी टेस्ट टेस्ट मांगती है स्टूडेंट कॉलेज के बाद. अभी कोरोना के टाइम पे उन्होंने वो भी थोड़ा हटा दिया था, लेकिन सिर्फ उसका RWTH में रहता है. और अगर वीजा की दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पे इसका यूज है टेस्ट टेस्ट का, ये चीज. और टेस्ट टेस्ट
मेंटल एबिलिटी वाला है, वो वहां पे आपको प्रिपरेशन करते हैं। हालांकि जो मेरी टिप्स रहेंगी वो भी मैं बता दिया करूंगा ऑफनामा क्लासेस में, अगर कोई ले रहा होगा तो मैं वहां पे इवेंचुअली और भी हेल्प करूंगा, है ना। ऑफनामा क्लासेस के लिए भी नहीं हूँ, और भी जो साइड हेल्प आपको चाहिए होगी, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैम वहां पे बैठी है भाई, मैम से जाके डायरेक्ट बात बात करो, कुछ भी दिक्कत आ रही है ना। मैम के साथ जैसे काजल मैम है ना अभी भी वहां पे, मैम। काजल भी है डेफिनेटली, अच्छा काजल मैम भी है ना, तो आप हैं काजल मैम है। अमन अब मतलब अमित मेरे टाइम पे तो कपूर, आप दो ही थे। हाँ राइट, इसमें अनामिका ने शायद पूछा था कि वो स्टूडेंट कॉलेज लैंग्वेज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सुरभि मैम ने बता ही दिया था कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज कर रहे हैं ना एक्सेप्ट लैंग्वेज स्कूल का सर्टिफिकेट बिल्कुल एलपी का। बिल्कुल आई एम प्रेजेंटली डूइंग B1, विल इट बी गुड टू ज्वाइन द ऑफनामा कोर्स? हाँ मेरे भाई बिल्कुल, मैंने कोर्स इसी हिसाब से डिजाइन किया कि वो अपन जो B1 भी कर रहे हैं ना, तो वो भी वो कवर कर पाए अच्छे से, उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े जब वो एग्जाम सॉल्व करें। और मतलब जो मैं पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, या जिस हिसाब से मैं सिखाऊंगा, जो आपको टर्म्स है वो पहले से पता रहेंगी, है ना। जर्मन तो आप सीख लोगे, वो कन्वर्सेशनल वाले अलग चीज है, वो हो जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट रहेगा, टेक्निकलिटी रहेगी ऑफनामा की, वो मैं फिर सिखाऊंगा। तो अगर आप B1 में, अगर आप इवन दो A2 में भी हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 वालों को मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट A1 पहले वो A2 अचीव कर ले, B1 अचीव कर ले, देन फिर वो बिल्कुल जो ऑफनामा का मैं पूछ लूंगा वो कर सकते हैं बिल्कुल यार। गोविंद भाई ने पूछा है हाउ टू कन्विंस माय पेरेंट्स, तो भाई अगर आपके पेरेंट्स सामने बैठे तो उनको बिल्कुल ये सेशन दिखाओ। मैंने है ना, मैंने बताया है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को भी वो काफी स्टार्टिंग में रिलक्टेंट थे, लेकिन अभी वो भी खुश है। तो अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो अंकल आंटी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आंटी अभी ये जो कर रहा है तो अभी थोड़ा इसको करने दो, उस पे मतलब ज्यादा प्रेशर मत डालो। अगर ये रिजल्ट नहीं देता तो 76 मारो, अगर रिजल्ट देता तो फिर इसको आप आगे परसीव करने दो, है ना। और इसमें ये चीज भी रहती है, मैं काफी स्टूडेंट्स को ये भी बोलूंगा, जैसे जो मेरे को पूछते हैं ना मैम, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैं लोन ले लूँ या वो ले लूँ, यार आप ये नहीं समझ रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपके मम्मी पापा का पैसा लग रहा है, आपका पैसा नहीं लग रहा। अगर आप कमा रहे हो और आप फिर आ रहे हो जर्मनी, वो अलग चीज है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। तो लोन का इसलिए यार, यार मम्मी पापा से बात करके ही पूछा, मतलब पूछो पहले, उनसे पहले डिस्कस करो कि बाहर जाना है ना। ये नहीं कि यार अच्छा ठीक है, आप मतलब आपने पहले पूरा प्रोसेस जान लिया फिर आप मम्मी पापा को बता सकते हो कि हाँ मम्मी पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये प्रोसेस है, हाँ वो अच्छी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम से उनको शौक दे रहे हो कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है तो मेरे को इतना पैसा चाहिए, ऐसा नहीं भाई, ये नहीं करना, ये गलत चीज है, इवन क्योंकि मनन मेरे मैं, को हाँ इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, अभी क्या है पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ये ड्रीम है कि हाँ ठीक है जर्मनी जाकर पढ़ना है, बट अभी कोविड की ऐसी सिचुएशन है जो कि हर किसी के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है, स्टिल अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो लैंग्वेज पैंथन इस चीज में भी आपकी हेल्प करेगा। इफ यू वॉन्ट कि आपको लोन चाहिए उसमें गाइडेंस, तो प्लीज आप हमें बताएं, हम आपकी इस चीज में भी हेल्प करेंगे। बट अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं लोन ले लूं और अपने पेरेंट्स को ना बताऊं, तो वो चीज तो गलत है, वो चीज नहीं करनी वो गलत है ना, आप मतलब वो यार गलत पहले से है, पेरेंट्स एज्यूम कर लेते हो कि है ना, मतलब ठीक है से। प्रोसेस पता होना चाहिए वो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल यार, हाँ लेकिन पेरेंट्स से बात करो यार, वो है पेरेंट्स से मत छुपाओ, पेरेंट्स को सब पता होना चाहिए, पेरेंट्स यार सपोर्ट के लिए बैठे हैं यार, मतलब तो क्या बोलूँ, बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल, आपको अच्छे से जानते हैं और पेरेंट्स आपकी यार हेल्प करेंगे, मैं उसे ही बोलूंगा। अगर आप इवन उनको रिजल्ट भी प्रूफ पेरेंट्स, करके दोगे, ऐसा नहीं है ना, रिजल्ट प्रूफ करो ना, और फिर आप फेंक इतनी रहे हो कि लपेटना भी मुश्किल हो जाए, है ना, तो वो चीज भी है। और अभी आप भी जैसे मेरे को, हमारी कब बात हुई थी, परसों तरसों में बात हुई थी, आप बता रहे थे जैसे कि एक पेरेंट को वो काफी मतलब वो शौक वॉक लगा ना कि जैसे 25 उन्होंने लाख किसी कंसल्टेंसी में फीस भर दी, अब बताओ यार। मैं लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे मेरे सामने कि मैम मेरे 25 लाख रुपए ऐसे ही किसी कंसल्टेंसी के पास चले गए, मैं कैसे वहां से लाऊं और मैं कैसे उनको यहाँ से कराऊं, जर्मनी आपके थ्रू भेजूं। तो मेरे को भी हो गया था कि कैसे कोई कर सकता है, और स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स अगर इतने पैसे लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बिल्कुल अपना टाइम उसमें डिवोट करना चाहिए। और प्लीज आप, मैं किसी, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, बट अगर लैंग्वेज पैंथन आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो प्लीज आप ट्रस्ट करें, आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी, चाहे वो ब्लॉक्ड अकाउंट हो, रेमिटेंस हो, वीजा एप्लीकेशन हो, या फिर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन हो, यूनिवर्सिटी लिस्ट हो, हर एक तरीके से हेल्प मिलेगी। एंड आपको कुछ भी पे नहीं करना लैंग्वेज पैंथन में इस सर्विस के लिए। एंड मनन सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास, am I यार right? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ यार, मतलब पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। मैं तब भी, मैं पता है, मैं कभी एक्ट नहीं करता यार, मैं कंसल्टेंसी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, प्लीज मेरे को स्टूडेंट की तरह रहने दो। जैसे
स्टूडेंट कहते हैं ना कि भाई आप कंसल्टेंसी खोल दो, आप हमारी प्रोफाइल बना रहे, भाई मैं नहीं बनाऊंगा प्रोफाइल, मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगा, एप्लीकेशन खुद भरो, वहां पे आपको सपोर्ट के लिए मैम मैम बैठी है, आप उनसे करो, है ना, और ये सब काम खुद करना है। आप क्यों भाई, मेरे को समझ नहीं आता, कंसल्टेंसी जाते हो 2-3 लाख वहां पे एक्स्ट्रा करने, जब प्रोसेस खुद हो सकता है। मैं यार पहला बंदा नहीं हूँ जो आया हूँ, मेरे से पहले कितने गए हैं आए हैं, और मतलब बैचलर्स खत्म करके यहाँ पे अपनी मतलब क्या कहते हैं जॉब लाइफ जिनकी शुरू है ना, तो वो चीज भी यार मेरे को ये चीज तो समझ नहीं आती, मतलब पैसा देना सही नहीं आता। हाँ ठीक है, मास्टर्स की अलग बात हो सकती है, उसमें मैं नहीं घुसना चाहता, वो मेरा डोमेन नहीं है, उसमें मैं अगर बात करूंगा अभी तो फिर वैसा लगेगा कि अब बढ़ चढ़ के बात कर रहा है ना, मैं बैचलर्स का तो मैं उसी पे अभी स्टिक करना चाहता हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं उतना ही प्रोवाइड कर सकता है, वो चीज है। हेलो मनन भाई। मेरे भाई मैं चैट पे यार ये क्वेश्चन वोशन ले रहा हूँ, है ना, तो अपन लोग का जो भी रहेगा ना वॉइस में रहेगा वो हम कवर करेंगे चैट पे, क्योंकि बहुत सारे हो गए, तो ये यार यहाँ पे कवर करना मेरे को ऐसा लगता है एकदम से बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो ये कवर कर लेता हूँ। और मैम आपको भी मतलब इसमें चैट में कोई देख रेख रहा है जो आपको भी लगता है इम्पोर्टेंट है जो कवर होना चाहिए, है ना। मैं वही देख रही हूँ। सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन विथ इनटेक्स ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक हाँ सो। जी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जर्मनी में अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी मतलब पेरेंट्स कह रहा सॉरी यूनिवर्सिटी वाले को भी पता है कि भाई कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं रख सकते, तो वो ऑफलाइन की जगह फिर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और एज अ सेड जैसे मेरे टाइम पे नहीं, अभी कब की बात है, पिछले साल की शायद बात है, तो ऐसा हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी ऑफलाइन कर रही थी एग्जाम, लेकिन सिंस काफी स्टूडेंट कोरोना की वजह से फंसे हुए थे, तो एलपी के सारे ये स्टूडेंट्स मिल गए थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों को बोला था, तो फेल यूनिवर्सिटी करी वाले ने थी। फिर इंडिया हाँ में भी एग्जाम करवाया। राइट राइट, इवन इस बार भी हुआ है। मेंस यूनिवर्सिटी में हमारे काफी स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे अभी, तो काफी स्टूडेंट्स के हमारे क्लियर हुए हैं ऑफना में। तो हाँ, ये सर्विस भी होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हाँ अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो। हाँ जी मैम, एंड डैनी क्या कह रहे हैं, जैसे पेरेंट्स तो मान गया बट माइनर हो, तो माइनर क्या करे, अब मैम के पास देखो, मैम के पास कितने माइनर आते होंगे, तो मैम जैसे आप इस पे क्या बोल रहे हैं मतलब, माइनर के लिए है ना। जैसे पहली भी कुछ केस डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। अगर आप लेट सपोज अगर आप 17 के हैं, तो उसमें आपको ये दिखाना होता है कि जर्मनी में आपके कोई रिलेटिव रह रहे हैं या कोई फ्रेंड रह रहे हैं जिनके साथ आप वहां पे रुकेंगे। एम्बेसी बोलती है कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो और आप माइनर हो, तो कैसे आप वहां पे सर्वाइव करोगे। तो आपको किसी का कांटेक्ट देना होता है कि मेरा ये रिलेटिव जर्मनी में रहता है और मैं इनके साथ रहूंगा और ये मुझे हेल्प करेंगे। उनकी तरफ से भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, वो आपको वीजा में दिखाना होता है, उसके बिहाफ पे फिर आपका वीजा लगता है। बट जैसे हमारे एक स्टूडेंट था जो 16 साल का था, अब उसका तो ये था कि वो 2 साल बाद वो 18 या 18 के बाद वो जा पाता, तो उसका भी इतनी काफी प्रॉब्लम आई थी। इट्स बेटर, या तो आप अगर 17 के हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट दे दें जो जर्मनी में आपके रिलेटिव रहते हैं, अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट ईयर ही 18 के होने वाले हैं तो आप कुछ टाइम स्किप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस होते हैं। हाँ हाँ जी मैम, और इसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मेरे टाइम पे भी मेरी एक दोस्त गई थी, तो उसके बस आपके वीजा अपॉइंटमेंट के वक्त पेरेंट्स आपको अकंपनी करते हैं, ये चीज है। और स्टूडेंट कॉलेज में यार मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट भी थे, रशिया से मेरे एक दोस्त है, वो 17 साल का था, 16 साल का था, वो भी पढ़ रहा था, 26 साल के। साउथ कोरिया में ऐसा रहता है ना कि साउथ कोरिया में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज कुछ रहती है ना वहाँ पे, तो वो 26 ईयर्स के स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वो एज वहाँ पे फिर एक जस्ट एक नंबर रह जाता स्टूडेंट कॉलेज में तो एटलीस्ट। लेकिन हाँ प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ, तो प्रोसेस में जैसे मैम ने समझाया ये, और वीजा अपॉइंटमेंट के वक्त आपके पेरेंट्स आपको साथ होने चाहिए, अकंपनी करते हैं, वो एक चीज रहती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मनन। पेरेंट्स का ये है कि कंसर्न है कि अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली तो हाउ विल यू मैनेज द एक्सपेंसेस, तो यही यार पार्ट टाइम जॉब का मैंने जैसे कहा डिफिकल्टी आती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा यार, 20-21 जगह करोगे तब जाके कहीं एक दो जगह से आएगा, है ना, या 3-4 जगह से कहीं आएगा। और मतलब कई लोगों के दिमाग में, अरे मेरे भाई मैं टेक्स्ट पे यहाँ पे कर रहा हूँ वॉइस में लूंगा मैं बाद में, अभी नहीं, पहले मैं ये क्लियर कर लेता ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा है। तो हाँ मैं ये कह रहा था हाँ कि जी, प्लीज प्लीज आप बताइए। अगर वॉइस का अपनी साइड से आप म्यूट कर सकते हैं, तो वॉइस सारा एक बार ये म्यूट ही कर दीजिए, मैं टेक्स्ट पे वो सारा ले लूंगा, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, मैं जॉब का बता रहा था। हाँ
मैं जॉब का ये बता रहा था कि जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स में ये रहता ना कि भाई अपने को ये और जॉब नहीं करनी, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि और जॉब लगती है मैकडोनल्ड्स और इन जगह काम वाम नहीं करना। अब आपको पता है कि भाई हर सिटी में मैकडोनल्ड्स और ये है, एटलीस्ट यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हो ना। और पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी तो मिनी जॉब कर लो यार, अगर आपसे स्टडीज जैसे मैनेज नहीं हो रही तो वो चीज में मिनी जॉब में आपको पता है कि आपको जैसे फिक्स वो रहता है कि 450 यूरोस कर सकते हो, कमा वमा सकते हो, है ना। उससे कम करना हो उससे कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी का, अगर आपको वो अलाउ कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है उनका वैसा, तो वो भी चीज एक रहती है। मैं जैसे कर रहा हूँ एक मिनी जॉब, तो वो चीज है मेरी। जैसे अभी स्टूडेंट कॉलेज में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप इसको मिनी जॉब ही कंसिडर कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम तो है नहीं। मैं हफ्ते में एक कितना सिर्फ 2 दिन जाता हूँ और 3 घंटे की मेरी क्लास होती है टोटल। तो मैं उस हिसाब से मेरा इस हिसाब से मैंने सेट किया कि मेरी भाई पढ़ाई में कोई दिक्कत ना है। और अपने भाई एक्सपेंसेस कम करने होंगे तो फिर घर वर मतलब ट्राई करना कि स्टूडेंट डॉर्म में ही ढूंढो, घर ऐसा ढूंढना कि मतलब कोई हाई फाई भाई और उसमें नहीं रह रहे हो आप होटल वोटल में, है ना, समझ रहे हो, उस टाइप वाले रूम में। नॉर्मल आप घर पहले तो ढूंढने की कोशिश करना, और जितना आप अपनी साइड पे एक्सपेंस कट कर सकते हो उतना करना। खाने पे कोई वो मत करना, खाना भाई एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। मेरी दादी कहती है अगर तूने खाने पे भाई बचत वचत की ना बहुत मारेगी, तो इसलिए भाई खाने वाने पे कोई बचत नहीं है भाई। खाना अपना हेल्दी रखना, और उस पे चाहे पैसा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस भाई बहुत हो गया, हाथ जुड़वा लो, खाना भाई सही रखना। ओके सो मनन, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आई एम प्रेजेंटली डूइंग B1, विल इट बी गुड टू ज्वाइन द ऑफनामे कोर्स दैट मनन भैया इज टॉकिंग अबाउट? अभी हाँ बी जी वन मैम, है मेरे वो लिए। ये हमने क्या बोलते हैं, मैंने डाउट ऑलरेडी ले लिया है। इसमें वही है कि आप बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूंगा आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने कोर्स इस हिसाब से डिजाइन, मैंने जैसे कहा ना कि अगर आपका A2 भी अचीव है तो A2 वाला भी ये कर सकता है, B1 B2 वाला तो कर ही सकता है, और जो हायर लेवल है उनके भी फिर फायदा है। मैंने उस हिसाब से किया, हाँ जी। और ये 63% 65% वो वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट कॉलेज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैम के पास भी, आपके पास मैम कैसे स्टूडेंट आते होंगे, उनकी कितनी परसेंटेज? हमने तो 58 वाले को भी स्टूडियम कॉलेज के लिए भेजा है। इवन वो अभी जर्मनी में पढ़ भी रहे हैं, तो मार्क्स ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट हाँ, वीजा के लिए जैसे हमने बता दिया कि टेस्टेयर्स का अगर एग्जाम देंगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी। इवन अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी है, ऋतुराज, इन इंडिया समटाइम्स बोर्ड रिजल्ट्स आर डिलेड, सो हाउ कैन वी अप्लाई इफ वी डोंट हैव 12th मार्कशीट? सो इसमें तो ऐसे है, विदाउट 12th रिजल्ट तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। 12th का रिजल्ट जरूरी है, मार्कशीट जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिले हो भी जाता है सो इट्स बेटर आप नेक्स्ट इनटेक में चले जाएं, बट आप ऐसे रिस्क लेकर अप्लाई ना करें कि आपका अमाउंट वेस्ट हो अप्लाई करने का यूनि असिस्ट पे। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा ना कि रिस्क इसमें यह है कि एक तो जैसे बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो शायद अलाउ कर दें, अभी विंटर सेमेस्टर में जो आते हैं कई बार उनके पास नहीं आते 12th का सर्टिफिकेट, है ना। तो उसमें ऐसा रहता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती है कि आप अपना टेंटेटिव रिजल्ट दे दो, बाद में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना 12th का, ये चीज होती है। लेकिन वो एक दो ऑप्शन है यार, और मैं आपको एटलीस्ट कहता हूँ कि यार 8-9 ऑप्शन तो लेके आओ। तो अगर आपका गेम बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है तो आप 1-2 लेवल ठीक है आप कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं आए, 1-2 का एग्जाम लेके यहाँ पे आए हैं, सिर्फ 1-2 ऑफनामा गए थे और वो 1-2 में उन्होंने क्लियर किया है, वो रहता है। लेकिन भाई वो क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल केस है ना, वो चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष का। टोटल बजट शुड बी कंसीडर फॉर बैचलर गिवन मी कुड मैनेज आर एक्सपेंसेस। आई थिंक इट्स यहाँ पे पूरा शो नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। हाँ जी मैम, टोटल 4 ईयर्स बजट का मैम देखो, जैसे मैं बताया कि मैं इसमें पार्ट टाइम और वो कुछ कंसिडर नहीं करूंगा। पार्ट टाइम से आप नेचुरली काफी कंसिडरेबली अपना वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अपना जैसे खर्चा मैं बताया स्टूडेंट कॉलेज में पर महीना 500, आप उसको into 4 करेंगे तो हाँ तो नेचुरली आप पर महीना 600, आप उसको into 12 करके into 4 करेंगे तो आपको पूरा टोटल 4 साल का खर्चा मिल जाता है, अगर एक टोटल बजट की मैं बात करूँ तो वो चीज रहती है। हाँ लेकिन इसमें भाई नेचुरली अगर आप पार्ट टाइम या फिर जैसे मैं मिनी जॉब कर रहा हूँ और आप कमा रहे हैं तो बहुत सही हो सकता है। अगर जैसे आप डार्मस्टाट में रह रहे हैं या फिर कहीं और जिस सिटी में, मैं तो बाडन वुर्टेम्बर्ग में, तो मेरा फीस का तो एक अलग ही वो वसूली है ना। तो हाँ, अगर आप 300 डार्मस्टाट या कहीं और रह रहे हैं तो अगर आपका मंथली 600 है और आप मिनी जॉब भी करते हैं 450 जिसमें हो गया, तो आपका कितना महीने में सिर्फ 150 ही तो देना पड़ा ना यार, और 150 into 12 करोगे तो वो कितना है भाई, ज्यादा थोड़ी रहता है। इतना खर्चा तो इंडिया में भी नहीं आता होगा। इंडिया में भी IIT की फीस कितनी है परसेंट, किसी को आइडिया हो तो? मेरे ख्याल से 180 तो पहुंच ही गई है जनरल कैटेगरी के लिए।
ना, वो चीज है। तो अभी इतना भी मत सोचो कि भाई यार जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो कुछ लोग होते हैं ना कि एक क्या कहते हैं, जैसे वो कंसल्टेंसी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते मैम कि फ्री एजुकेशन है, फ्री फ्री, भाई फ्री कुछ नहीं होता, पैसा थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना, हाँ ऑफ तो वो कोर्स, चीज। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपका बिल्कुल लगता है, और जैसे मनन ने बताया कि वो तो बाजन एरिया में है, वहां तो 1500 तो लगता ही है अमाउंट, उसके ऊपर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगता है, इज इट? तो ये चीज है यार। और भाई अगर आप बाडन विर्टेम्बर्ग में नहीं है तो आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 200-300 यूरो हाँ भी हो सकता है, तो राइट साल के एंड पे आप लगा लो 1 साल का सिर्फ 600 यूरो, और इंटू फोर करोगे तो 600 × 4 कितना, 2400, 2400 यूरो आपका कितना बना, 2,20,000 तक, 2,20,000 आपका सिर्फ ये यूनिवर्सिटी खर्चा। अब इसमें नेचुरली लिविंग एक्सपेंसिस भी आएंगे, लिविंग एक्सपेंसिस एज अ साइड आप कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पार्ट टाइम जॉब और मिनी जॉब और अपने लाइफ स्टाइल से। बेसिकली लाइफ स्टाइल अपना हाई फाई नहीं रखेंगे, स्टूडेंट हिसाब वाला रखेंगे तो वो कम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अनंत। सो आप प्लीज चैट बॉक्स व्हेन में, इज द ऑफनामा कोर्स स्टार्टिंग प्लीज टेल द डेट। ऑफनामा कोर्स यार अगले हफ्ते सैटरडे संडे से शुरू है, मोस्टली जो स्लॉट है वो आपको पता लग जाएंगे, लेकिन दोपहर को ही रहेगा। दोपहर को ऐसा रहता है ना कि भाई शांति वांति होती है घर पे, जो बड़े लोग हैं मान लो कोई ऑफिस ऑफिस गया होगा, कोई जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो वो सो रहे होते हैं दोपहर को, तो अपना शांति वांति होती है, तुम आराम से पढ़ भी सकते हो, मेरे लिए भी अच्छा है। मैं सुबह, मेरे को जल्दी उठने की आदत लग जाएगी, मैं जल्दी सुबह 8-9 बजे उठ जाऊंगा और दोपहर का ले लूँ इतने यहाँ के हिसाब से, तो दोनों भाई फायदे में रहेंगे, ठीक है, इसलिए दोपहर का ही रखेंगे और वो नेक्स्ट वीक क्या बोलते हैं सैटरडे संडे से शुरू हो जाएगा कोर्स। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि मेरा बीवन चलेगा दोपहर में, सो वो आप क्लैश नहीं होगा, वो उस हाँ हिसाब से ही स्लॉट क्लैश टाइम होगा, टेबल टेंशन मत आपको लो। मिलेगा प्रॉपर उस चीज के लिए कि आपकी क्लासेस क्लैश ना हो, और मनन के साथ भी आपकी क्लास हो जाए और आपकी जर्मन की भी क्लास चले आराम से। जैसे कुशागर भाई ने पूछा आर देर लेस ऑप्शन इन स्टूडेंट कॉलेज इन समर इनटेक एज मतलब व्हेन वी कंपेयर इट विद विंटर इनटेक, नहीं मेरे भाई कोई लेस ऑप्शन नहीं है, बस समर सेमेस्टर वालों को एक दिक्कत है कि उनको थोड़ा वो वेट करना पड़ता है अगर आपका कोर्स विंटर सेमेस्टर में शुरू हो रहा है, लेकिन भाई मैं समर सेमेस्टर में आया हूँ और मेरे को समर सेमेस्टर बेस्ट बहुत लगता है, मैं सही बोलूँ विंटर सेमेस्टर से बढ़िया लगता है, क्योंकि समर सेमेस्टर के पास मान लो किसी को लाइफ में क्लियर नहीं है ना कि कौन सा कोर्स करना है, आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम था, मैंने हर यूनिवर्सिटी का कोर्स निकाला था, हर यूनिवर्सिटी के कोर्स का कंटेंट क्या, मैंने सब देखा क्या मेरे को इवेंचुअली वो पढ़ाएंगे वो सब, उसके बाद मैंने डिसाइड किया हाँ भाई मेरे को मेकाट्रॉनिक्स मेरे लिए सूट करता है, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने किया। और उसमें आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन करके उसमें भी आप जॉब वॉब कर सकते हैं और पैसा वहां पे भी रिकवर कर सकते हैं। मैंने जैसे उस पर वीडियो बना रखी है, मैंने लीफरांडो में क्या बोलते हैं सॉरी, इसमें नाम मैं कंपनी का नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ मैंने जैसे डिलीवरी वाली जॉब की थी तो डिलीवरी जॉब में मैंने भाई पैसा वैसा कमाया था, मेरे को व्लॉग के लिए चाहिए था पैसा, तो मैंने 1 महीना काम किया और ये अपना आईफोन भाई मेरी पहली कमाई से आईफोन लिया था, तो मेरे को काफी खुशी हुई थी, तो ये चीज है हाँ, तो इसलिए वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो सब रहता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जर्मन टॉट बैचलर्स इन इंडिया? हाँ जी मैम, इसमें वही यार देखो जब कंपनी, मेरे को ऐसा लगता है जब कंपनी में आप जॉब ढूंढने जाते हैं ना तो इट ऑल कम्स डाउन टू स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी है, और जर्म मैं पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन भी हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटीज है ना जर्मनी की वो यार मोर ज्यादा रिकॉग्नाइज है, समझ रहे हो, एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में नेचुरली आपकी स्किल्स जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो काफी बढ़िया डेवलप होगी, जिनको उस बिल्कुल साइड में जाना है वो जा सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी किस लिए चूज की, मैं एक छोटा सा मेरा ये रीजन हो सकता है, ये फैक्टर में कंसिडर मैं कर सकता हूँ कि एक तो मेरे को ठीक है मेरे को रिसर्च बेस में थोड़ा जाना था, दूसरा ये चीज है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का जो कंसेप्ट है ना दैट इज रिस्ट्रिक्टेड इन मतलब टू जर्मनी ओनली, मैंने यूएस यूके जहां भी आप सुनेंगे आपने ये चीज नहीं सुनी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कोई चीज भी होती है ना, ऑस्ट्रिया में भी मेरे ख्याल से फाकॉपशूला है, वहां पे भी है, कुछ कंट्रीज जैसे नेदरलैंड्स में मेरे को पता है एक दो यूनिवर्सिटीज वो अलाउ ही नहीं कर रही थी कि आप क्या बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के बाद वहां पे मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं, है ना, लेकिन अब मेरे को ये पता है कि मैंने अगर एटलीस्ट जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रखी है एंड आई हैव गॉट द रिक्वायर्ड स्किल्स टू लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फुलफिलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट देन मेरे को मिलेगी, है एंड ना ऑफ वो चीज है। कोर्स और आप ये सोच रहे हो कि आपके पास मान लो आप इंडिया में कोई कंपनी है उनके टाई अप है किसी जर्मन कंपनी से, आप उनके लिए कितना एक वो साबित हो गए एक क्या कहते हैं एसेट साबित होंगे, आपको लैंग्वेज पता है भाई जर्मन लैंग्वेज पता है, आपने जर्मन में
कोर्स वोर्स कर रखा, आपने एक एडिशनल लैंग्वेज सीख रखी, आपके पास स्किल्स हैं, है ना, यहाँ पे आपने अपनी डिग्री किया, तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो उस फील्ड में है, जैसा कि मैंने कहा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वही रहना चाहता हूँ, तो वो आपको और अच्छे से फिर बता पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मदन, और लेकिन मेरे ये जो हाँ सीनियर्स है ना, हाँ इवन मैं यही ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी से अपनी एजुकेशन लेकर आ रहा है तो सिर्फ ये नहीं है कि वो डिग्री लेकर आ रहा है, वो नॉलेज भी लेकर आ रहा है, और जर्मनी की डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। तो आप अगर जर्मनी में जॉब करें या अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं, सबसे पहले आपको रखते हैं, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री नहीं एक नॉलेज लेकर आ रहे हैं। और जैसे जर्मन, जैसे अभी मनन ने बोला कि आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है जर्मन, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगी, चाहे आप जर्मनी में जॉब करें, चाहे आप मतलब कहीं भी आप जॉब करें, आपको 26 यूरोप कंट्री का जॉब सीकर वीजा मिलता है जर्मनी में आफ्टर बैचलर या मास्टर, या फिर अगर आप इंडिया आते हैं, आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक तो यार पहली बात तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं उस, पता है आप देखेंगे मैं ज्यादातर वीडियोस में मैं उसकी बात भी नहीं करता जॉब वॉब की, क्योंकि मेरा यार मेरे को फोकस पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पहले बैचलर्स पे करना चाहता हूँ, मेरा यार भाई पहले बैचलर्स अच्छे से निपट जाए, मैं प्रेजेंट में जीने वाला बंदा, और अगर मैं कुछ वहां पे मास्टर्स का कुछ या फिर उसका कुछ बोलूंगा भी ना, तो मेरे को पता है काफी लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं, तो उसमें इसलिए मैं ज्यादा घुसता भी नहीं हूँ, है ना। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने अपने सीनियर से बात कर रखी है, और मेरे को पता है कि जो यहाँ पे जर्मनी भी नहीं है, जो यूएस सेटल हो गए हैं, जो यहाँ से जाके यूएस गए हैं या फिर इंडिया में वापस गए हैं, तो वो अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे हैं, मैं जितने भी दो तीन लोग हैं, ज्यादा भी नहीं है, तो उनसे जो कॉन्टेक्ट में हूँ। हाँ, और वट विल मनन भैया टीच इन ऑफनामा, सारा यार ऑफनामा की पूरी तैयारी मैं ही करूँगा, सब कुछ जर्मन से लेके मैथ्स में, जो उसकी जिम्मे वो मेरे छोड़ दो, वो मैं करवा लूंगा, है ना, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। ऑफनामा का वही मैंने कहा ना, सारा टेंशन भाई दे दो, एक तो मेरा थोड़ा पेट भी मतलब भार भी ज्यादा है, तो मैं संभाल लूंगा, इसलिए मेरे को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो एनी नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट? यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं मनन आपके लिए। हेलो भाई, आई हैव कंप्लीटेड माय B2.1 फ्रॉम LP, नाउ आई हैव सम ऑफनामा परफॉर्म इन कमिंग डेज, सो आई एम कंफ्यूज, शुड आई स्टार्ट विद B2.2 और ऑफनामा? भाई दोनों साथ ही साथ, B2.2 भी साथ में चालू रखो और ऑफ ना मैंने, और लाइफ में चल क्या रहा है ऑफ, और लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं चल रहा ना, या चल रहा है मेरे को बताओ भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया भी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन ले रखा है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी है, तो भाई सारा ध्यान अपना जर्मन पे लगाओ, और दोनों कनेक्टेड है यार, B2.2 के साथ साथ आपकी ऑफनामा की भी तो प्रिपरेशन हो रही है, जर्मन उसमें आ तो रहा है, तो B2.1 तक क्यों छोड़ना उसको, आगे B2.2 भी उसमें जाओ, उसको सीखो, और साइड बाय साइड अपनी ऑफनामा की क्लासेस भी लो, और ऑफनामा की क्लासेस मैंने कहा ना मैं जो पढ़ाऊंगा उतनी बहुत है, उसके बाद आपको ज्यादा अपने एंड पे उतने एफर्ट मारने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कुछ उसमें कवर ही कर दूंगा, बस मेरे को आपका टाइम चाहिए होगा कि आप वो टाइम मेरे को प्रोवाइड करवाओ, कि मतलब मैं अगर दिन में आपसे 2 घंटा ऑफनामा के लिए मांग रहा हूँ, तो भाई उसमें एटलीस्ट फुल्ली आप प्रेजेंट रहो और उस पर ध्यान में लो, है ना, बस वो चीज़ है, बाकी फिर वो मेरे ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि अभी तक उनको वीजा डेट मिली नहीं है, चाहे उनके पास टेस्ट AS है या फिर 90 अबव है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर आज लॉग इन करते हैं और आज ही आपको वीजा डेट मिल जाएगी। हम हमेशा शुरू से स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि ट्राई करो कि आप ऑनलाइन रहो। आई नो आपकी क्लासेस होती है, आपको पढ़ना होता है, बट अगर आप ऑनलाइन नहीं रह सकते, आप घर में किसी को बोलो कि ये डेट कभी भी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे ही अवेलेबल हो आप उसको बुक कर दो। तो मतलब आपको उस पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और पहले ये होता था कि ठीक है आपको वीजा डेट रात को 4 बजे 3 बजे मिल रही है, अब कोई टाइम नहीं है। मैंने खुद दिन में 12 बजे 3 बजे देखी है वीजा डेट। और अब क्या है, अब इतने स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाह रहे हैं या चाहते हैं, तो वीजा डेट कब आ जाए कब अवेलेबल हो कुछ नहीं कह सकते। बट ऐसा नहीं है, आपने आज देखी आज अवेलेबल होगी, आज आप बुक कर लोगे। टाइम लगता है, जैसे ही अवेलेबल हो आप उसको बुक कर लो फटाफट। हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं, जो कि मैं अभी भी आप सबको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे विंटर इनटेक के लिए जाना चाह रहे हैं, अभी विंटर इनटेक स्टूडियन कॉलेज के, तो आपको वीजा डेट लेनी है अप्रैल की। आप अप्रैल एंड की वीजा डेट बुक करें अपने लिए, चाहे वो टेस्ट एएस वाले हो चाहे वो 90 अबव वाले हो। और जो 90 बिलो है उनका मैंने टेस्ट एएस बताया,
अप्रैल की आप वीजा डेट बुक करेंगे तब तक आपका एडमिशन आ जाएगा, चाहे वो पार्टिसिपेशन लेटर के थ्रू आए, चाहे वो B1 या B2 के सर्टिफिकेट के थ्रू। देन वीजा आने में फिलहाल 1-1.5 महीना, 40 डेज आप कह सकते हैं लग रहा है मैक्सिमम कोविड के वजह से। अगर आपका मई तक वीजा आता है, आपको जून में निकलना होगा एग्जाम्स के लिए। तो ये एक पूरा टाइम टेबल है वीजा डेट बुक करने का स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। और जो यहाँ से बैचलर फर्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं, आपको वीजा डेट लेनी है अगस्त। अगस्त आप मिड की या एंड की आप वीजा डेट बुक कर सकते हैं बैचलर अनकंडीशनल। सेम स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट, स्टूडेंट अनकंडीशनल आप वीजा डेट बुक करेंगे, 40 डेज के अंदर अंदर वीजा आएगा, देन आप जर्मनी इजिली जा सकते हैं। तो ये मैंने गर्व सोनी, आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने आपको आंसर दे दिया। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड प्लीज जी मैम, मनन। मैं दो तीन क्वेश्चन जो मेरे को आए थे। हाँ जी मैम, एक पहला जो जो W कोर्स वाले हैं वो ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल वो ले सकते हैं, क्योंकि आपका जर्मन पार्ट सेम रहेगा, मैथ्स आपका थोड़ा इजी रहता है टी कोर्स वाले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा। तो W कोर्स हो टी कोर्स हो, आप ऑफनामा के लिए आ रहे हैं तो वो सब मैं ऑफनामा में कवर करूंगा, है ना, उसकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोई कह रहा था कि भाई अगर मैं जून में लैंग्वेज स्टार्ट करूँ, लैंग्वेज मतलब समर सेमेस्टर के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हो। मेरा भी ऐसा था यार, मेरे को रियलाइजेशन पॉइंट लेट ही आया था, तो मैंने भी अपनी जून एंड में शुरू की थी मतलब लैंग्वेज। अगर आपको लेकिन पहले आ गया, आपको पता कि भाई जर्मनी जाना है, तो आपके जैसी बोर्ड्स खत्म होते हैं फिर आप बिल्कुल लैंग्वेज पैकेज ज्वाइन करके लैंग्वेज शुरू कर सकते हैं अपनी, एंड देन समर सेमेस्टर में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो रियलाइजेशन पॉइंट दे रहा है और इससे पहले आप इंडिया में और ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, है ना, जे एडवांस के थ्रू या किसी के थ्रू, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जून एंड में शुरू की थी, आप भी तब शुरू कर सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द समर सेमेस्टर। और ये मनन एक बारी में और स्टॉप वीजा करूंगी, में, हाँ जी मैम, प्लीज प्लीज बोले, आई एम सॉरी, आप बोले, उसके बाद मैं फिर से रिपीट करूंगी। हाँ जी मैम, मैं बस ये कह रहा था कि वीजा के, यार मैं समझ रहा हूँ वीजा की बहुत दिक्कत चल रही है, लेकिन यार तुम्हें ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि वीजा में कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वीजा में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो कैसे समझाऊं, मतलब नहीं हो सकता यार वीजा में। मैं कोई वो भी नहीं हूँ ना ब्लैक मार्केट, जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत चल रही है जो लेके बैठे हैं, उन तक का बताओ जो ब्लैक मार्केट में लेके बैठे हो, उनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वीजा डेट्स का है ही नहीं ना, कुछ नहीं है भाई मेरे। और ये जर्मनी के लिए नहीं है, ये हर जगह दिक्कत आ रही है, चाहे वो US हो, UK हो, कोई भी कंट्री हो, वो कोरोना है, वो है भाई, उसमें सबके आप कुछ नहीं लिए कर सकते, है ना, वो बिल्कुल सबके लिए। उसमें ये है कि हाँ थोड़ा ही आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका ऑनलाइन, अगर मान लो एग्जाम हो रहा है और आपको एक ही ऑप्शन जैसे बचा है, वरना तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए नेचुरली वो कर सकते हो, लेकिन एक ही ऑप्शन है, तो भाई मेहनत उस हिसाब से रखो कि भाई वो फिर एक एग्जाम फोड़ दो। मैं जैसे कल एक लड़की से बात कर रहा था, तो उसका भी यही था हिसाब कि वो मेरे को बता रही थी कि उसका एक ही है और एक ही ऑनलाइन है और बाकी वो ऑफलाइन हो रहे हैं, तो वो उसके पास वीजा नहीं है, तो वो जर्मनी नहीं जा पाई। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई एक है तो एक में इतनी मेहनत लगा दो कि वो क्लियर हो जाए, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, है ना। जब आपको पता है ऑप्शन नहीं है तो फिर क्यों करना। अभी लोगों का क्या है कि स्टूडेंट कॉलेज के लिए आते हैं, 7-8 ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। अरे तुम जेके एडवांस के लिए जाते हो तो एक ही बार एग्जाम देते हो ना फिर बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल साल, तो इसमें भी तो भाई फिर मेहनत उस हिसाब से रखो कि पहली बारी में क्लियर हो। इसमें 7-8 ऑप्शन सोच के भाई पहला दूसरा नहीं हो कोई नहीं, तीसरे चौथे में निकालेंगे, तो वो तो नेचुरली कर सकते हो, लेकिन वो सोचना ही क्यों है भाई, पहले से ही क्लियर करके चलो। बिल्कुल एंड इवन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मनन, आपके पास अगर 7-8 ऑप्शंस होते हैं उसको लाइटली नहीं लेना है। एंड रही बात वीजा डेट की, वीजा डेट हम आपके लिए बुक नहीं कर सकते। वीजा डेट जैसे आप बुक कर, पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी कि कैसे आपने वीजा डेट बुक करनी है, कहाँ से बुक करनी है, कौन सी कैटेगरी होगी। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला टाइमलाइन रिपीट करने के लिए, तो मैं स्टूडेंट कॉलेज का फिर से बता देती हूँ। आपने अप्रैल की डेट बुक करनी है, अप्रैल आप एंड की आप डेट बुक करें, स्टूडेंट अनकंडीशनल, स्टूडेंट कॉलेज अनकंडीशनल। देन आपको आप अप्रैल में अपना इंटरव्यू दोगे, मई तक आपका वीजा आएगा, या अगर आप मान के चलिए जून फर्स्ट वीक तक भी आता है तो आप इजीली जा सकते हैं। अगेन वीजा डेट बुक करने के लिए पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, बुक आप करेंगे देन हर तरीके से आपको आगे क्या हेल्प मिलेगी, वीजा डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन। ऐसा कोई इंटरव्यू होता नहीं है, मगर थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे सुमेध भाई ने पूछा कि शुड आई इवन कंसीडर प्राइवेट स्कूल कॉलेज, मैंने वही कहा ना मेरे भाई की तैयारी उस हिसाब से रखो कि ये पहला एग्जाम है उसी में फोड़ दो पब्लिक में, तो आपको फिर प्राइवेट स्कूल कॉलेज का सोचना ही नहीं पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज मान लो कुछ भी नहीं रहता ना, कहीं क्लियर ही नहीं हुआ, बहुत खराब सिचुएशन है, तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी वो विच इज स्टेट रिकॉग्नाइज,
वो इम्पोर्टेंट है ताकि आप इवेंचुअली फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाए। प्राइवेट स्कूल कॉलेज वैसा ढूंढोगे जो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में ही आपको बैचलर्स कराएंगे तो फिर उनका फायदा नहीं, स्टेट रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल कॉलेज का फायदा है। और जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है रोहित भाई के साथ, वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज उन्होंने किया था एंड अभी वो लाइपजिग यूनिवर्सिटी में, विच इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। ओके सो रचित का क्वेश्चन है, मैम आई एम एनरोल्ड इन एलपी, हाउ कैन आई ज्वाइन टेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन। सो रचित, आपको टेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन की पूरी हेल्प मिलेगी। आप अपनी टेस्ट टेस्ट का डेट बुक कर लो और एक बारी आप हमारे स्टाफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, अनामिका मैम है, निकिता मैम है, अलीशा मैम, जसप्रीत मैम, किसी को भी आप अपना नाम बता दो कि मुझे टेस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो कब क्लासेस स्टार्ट होगी उसका पूरा टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा, या आफ्टर दिस सेशन आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किसको आपको अपनी डिटेल्स बतानी है टेस्ट टेस्ट का प्रिपरेशन करवाने के लिए, ताकि जब भी क्लास शुरू होगी आपको वो बता दिया जाएगा। अभी किसी ने बोला था कि डाउट पूछा था मैं 12th में तो क्या प्रोसेस रहेगा, यार ये थोड़ा ना अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि मैंने वीडियोस बना रखी है, आप पहले वो जरूर देखना, उसके बाद आप बिल्कुल भी यार मेरे से डाउट पूछ सकते हो। दूसरा, तबीश भाई ने ए लेवल्स का पूछा है, तो यार ये भी काफी मतलब वैसा ना कि इसमें पूरा मेरे को डिटेल में समझाना पड़ेगा, हालांकि मेरे को पूरा कंसेप्ट पता है, लेकिन आप मेरे से एक बार यार मतलब वैसे पूछ सकते हो चैट में, अभी बहुत लंबा हो जाएगा इसका आंसर देना ना, तो ये चीज है। मतलब आप मेरे से पूछोगे कि इंटायर प्रोसेस क्या, तो यार वो थोड़ा आप समझ रहे हो ना, दिक्कत है, उतना टाइम नहीं है भाई अपने में, और मेरे को ये सेशन वेशन लेके उसके बाद मेरे को भागना फिर जॉब वॉब के लिए फिर से, तो यही चीज है। हाँ मैं ये कह रहा था जैसे यूनिवर्सिटी में भी ये रहता है कि यार मोनोटोनस की काफी लाइफ हो जाती है, क्या यूनिवर्सिटी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, असाइनमेंट सबमिट करना है और फिर जॉब पे फोकस देना है, लेकिन जब आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए आ रहे हो तो अपना मन, तब आप डिफरेंट सिटीज विटीज में, जैसे अब अगर कोरोना नहीं होता तो घूमते है ना, वैसा रहता, डिफरेंट स्टूडेंट कॉलेज के आप एग्जाम देते, वो एक्सपीरियंस करते, तो वो एक यार अलग चीज है। अभी यूनिवर्सिटी में तो फिर आपको पता है कि भाई एक जगह टिक के बैठना है, यही चीज है, यही लाइफ है, ऐसा हो जाता है। स्टूडेंट कॉलेज में एडवेंचरस रहता थोड़ा है ना, उसमें भी जैसे आप खेल रहे होते, पहला नहीं हो तो दूसरा तीसरा क्लियर करोगे, हाँ तो वो एडवेंचर है, वो आप लिबर्टी ले सकते हो, यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे एक बार फेल हो गए तो भाई लंका लगनी है। बिल्कुल ओके मनन, आई थिंक आपने आज सब स्टूडेंट्स की काफी हेल्प करी है इतने सारे आंसर्स देकर, एंड इवन ये न्यूज़ देकर कि आप अब ऑफनामे की हेल्प करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। सो दिस इज अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड। एंड इवन मनन, मैं भी आपको ये चीज बोलना चाहूंगी, अनुज सर की पूरी टीम, लैंग्वेज पैंथन, हम इतना प्राउडली फील करते हैं कि आज आप इतना अच्छा अपना एजुकेशन में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका नाम है, और अगर आपका नाम होगा तो वेरी ऑब्वियस हमारा भी नाम है, क्योंकि आप लैंग्वेज पैंथन के ही स्टूडेंट है। सो वेरी प्राउड ऑफ यू मनन, एंड आई होप एंड आई विश कि आपकी जर्नी आगे और भी अच्छी हो। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो एंड मच थैंक यू मैम, सो थैंक यू मच सो मच मैम। फॉर गिविंग योर टाइम। ये क्लिप लेके वैसे मैं मम्मी को भेज सकता हूँ, मम्मी बड़ा प्राउड फील मम्मी करती है। से बात भी करा देना हाँ जी ठीक मैम, है ना ये मम्मी अच्छा मम्मी सोचती तेरी तारीफ है और ये चला मैं भी सुना है, वरना चलो नहीं नहीं ठीक है, थैंक आपकी तो पूरी यू सो जर्नी मच मैम। हमें पता ही है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं ना आपने कैसे कैसे आगे आप बढ़े हो, सो दैट्स व्हाई वी आर थैंक यू वेरी मैम, प्राउड और ऑफ यू। प्लीज मेरे भाई, मेरे को भाई पहले कह रहा हूँ, मेरे को कंसल्टेंट, मेरे को एज अ कंसल्टेंट मत लेना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को वैसे ही रखना ठीक है मेरे भाई। और जो आ रहे हैं थैंक यू सो मच मेरे भाई, कुशाग्र दिवस भाई, हाँ, आप बिल्कुल आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं जैसे ही ऑफनामा का कोर्स हो चालू होता एंड है वन ना, मोर थिंग, तो लैंग्वेज पेंथन भी हम भी कंसल्टेंट नहीं है, हम भी एडमिशन बिल्कुल एडवाइजर है, काउंसलर्स हैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट नहीं है, लैंग्वेज पेंथन में कोई भी कंसल्टेंट नहीं है। इवन मनन भी जब हमारे साथ यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे तो वो भी कंसल्टेंट नहीं है। हाँ जी, कंसल्टेंट वो चीज हो गया कि आपको पैसा देना पड़ रहा है एंड पैसा लेके कोई चीज हो रही है, राइट 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 समझ रहे हो, यहाँ पे लैंग्वेज पैंथन में आप लैंग्वेज सीखने का पैसा दे रहे हो और वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए वो चीज है। थैंक ठीक है ओके मनन, यू सो थैंक मच मैम, थैंक यू यू, सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम। सो मच मेरे भाई, जो भी आए होप अपना मतलब सब जो भी आए होप आपके डाउट्स आउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी नहीं हो पाएंगे तो वो बाद में हम नेचुरली कर सकते हैं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे, और भी स्टूडेंट्स आप टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, वहां पे आप पूछ सकते हो, मैम है, मैम से आप बिल्कुल जाके जो भी एलपी के स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हो, जिनको जो भी डाउट है ना, मेटीरियल है, नॉलेज बस आपको गेन करनी है बस, बाकी तो यही है, बाकी अपना ध्यान रखो एंड अपने घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है, बाय, थैंक यू, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस मनन, गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच एंड मैम। थैंक्स टू
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, टेक केयर मैम, बाय बाय, टेक केयर।